ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन वंस अगेन. आप सभी का इस चैनल में और इस सेशन में स्वागत है. अभी हम जो है बहुत ही रफ्तार से इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में लग चुके हैं. और हम कहाँ पहुँच चुके हैं पता है? हम आपके चैप्टर नंबर 3 की तरफ पहुँच चुके हैं. 4 पोयम और 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारी गाड़ी एकदम रफ्तार से चैप्टर नंबर 3 की तरफ आ चुकी है. आज हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं? आज हम इस सेशन में आपका चैप्टर नंबर 1.3 जिसका नाम है द कोप एंड द एंथम, इसका A to Z वन शॉट में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं. ठीक है? सो यहाँ पे जो भी बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए, बिकॉज क्या होने वाला है, आपको बहुत ही गहराई में ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, लेट मी चेक इधर पे कौन कौन आया है. वाह, नंदनी, निशांत, कृष, सुमया, अल्तमाश, श्रेय, कृष्णा, सोहा, क्या बात है, रियली प्राउड ऑफ यू ऑल. ये हमारे रेगुलर स्टूडेंट है जो मुझे अब तक के सारे सेशन में देखने को मिले. तो हाँ, मैं हक के साथ बोल सकती हूँ कि ये तुम सर जो हो मेरे स्टूडेंट हो और हमारा देखना पक्का इंग्लिश में एकदम अच्छा मार्क्स आएगा. इसी तरीके से डेडिकेशन मेंटेन रखना है. ठीक है? दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए. अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए. रिविजन के लिए, पेपर सोल्विंग के लिए अपने को किसी भी हालत में चाहिए वक्त. एग्जाम के एक दिन पहले रात रात में जाग के आधी अधूरी पढ़ाई अपने को नहीं करनी है. ठीक है? वक्त से पहले अपने को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन और पेपर सॉल्विंग में भी लगना है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. और आज का जो अपना चैप्टर है जिसका नाम है कोप एंड द एंथम, ये बड़ा ही मजेदार चैप्टर है. देखते हैं इस चैप्टर में कैरेक्टर कौन है और क्या होने वाला है. ठीक है? बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर जो स्टोरी है इसमें कॉमेडी भी है, प्लस छोटा सा भी चैप्टर है तो जल्दी से हो जाएगा. ठीक है? पूरी कोशिश करूंगी कि आपको 10 बजे तक पूरा का पूरा खत्म करवा दूं. मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्वेश्चन बैंक से लेके, हार्डवर्ड से लेके, एक्सप्लेनेशन से लेके सब कुछ आपका हो जाएगा. ठीक है? लास्ट में 3 क्वेश्चन पूछूंगी फिर खत्म, और कुछ नहीं करना है. ठीक है? तो चलो, अपनी गाड़ी आ चुकी है अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ, कोप एंड द एंथम. एक सेकेंड रुक जाइए. चलिए जी, रेडी है? सब रेडी है? वाओ, चलिए. हाँ, पोएम्स बाकी है, 4 पोएम अपन ने करे हैं. ओके, 4 चैप्टर करेंगे, उसके बाद नॉवेल करेंगे और उसके बाद फिर से पोएम, बाकी के 4 पोएम कर लेंगे. ओके, चलिए जी, आपके सामने आ चुका है चैप्टर का थीम. चैप्टर के थीम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ तो पुलिस है इधर पे और ये एक इधर पे इंसान है. देखो, पुलिस को हम दूसरी भाषा में और क्या बोलते हैं? कॉप, COP, कॉप, पुलिस. ठीक है? यहाँ पे ये जो दूसरा इंसान है ये पुलिस के पीछे पीछे भाग रहा है और क्या बोल रहा है? प्लीज अरेस्ट मी. अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक इंसान कोई पुलिस के पीछे भाग रहा है और बोल रहा है कि मुझे गिरफ्तार कर लो. ऐसी क्या नौबत आ गई? कौन है ये जनाब? ये जनाब इस चैप्टर में है सोपी. इसका नाम क्या है? सोपी. ये सोपी पूरे चैप्टर में अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करेगा, पुलिस के पीछे भागेगा और बोलेगा मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार कर लो. बट पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी नहीं. क्यों? ऐसा क्या हो गया है भाई सोफी के साथ जो वो जेल जाने के लिए, प्रिजन जाने के लिए इतना उतावला हो रहा है? चलो जानेंगे अभी ये चैप्टर को पढ़ने के बाद. ठीक है? वही पुलिस बोलेगा हाँ भाई, तुझे काहे को पकड़ू, यहाँ पे और कुछ काम धंधा है नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं और पहले देखते हैं कि ये चैप्टर लिखा किसने है. तो ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है ओ हेनरी के द्वारा. आप बोलोगे ये कैसा नाम है ओ हेनरी? तो इनका ये पेन नेम है. ओरिजिनल नेम इनका क्या है? ओरिजिनल नेम है विलियम सिडनी पॉटर. विलियम सिडनी पॉटर. बट ये बहुत ज्यादा फेमस किस नाम से जाने जाते हैं? ओ हेनरी नाम से. ठीक है? तो आप दोनों याद रख लो, ओ हेनरी और ओरिजिनल नेम क्या है? विलियम सिडनी पॉटर. इन्होंने ये अपना चैप्टर लिखे है द कॉप एंड द एंथम. बाकी आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है? कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं. इंट्रोडक्शन से आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. तो हम बस इनका नाम जानेंगे और आगे बढ़ जाते हैं. चलो, तो अपने इस चैप्टर में कितने कैरेक्टर है? अपने इस चैप्टर में अपने इस चैप्टर में क्या है? सोपी जो है सबसे मेन कैरेक्टर है. सोपी जनाब बड़े खतरनाक है. हाँ, आप बोल सकते हो पीके है. जैसा पीके जेल जाने के लिए भागता रहता है पुलिस के पीछे, उसी प्रकार से ये जो सोपी है इस चैप्टर में क्या करने वाला है? पुलिस के पीछे भागेगा
और बोलेगा मुझे गिरफ्तार कर लो। आप बोल गए सोपी कौन है भाई, ये क्या है, स्टूडेंट है, पढ़ता लिखता है, जॉब करता है, तो क्या है? तो ये जो जनाब सोपी है अपने इस चैप्टर में, ये एक आवारा इंसान है, ठीक है? आपको दिख ही रहा है बेंच में सो रहा है, बेंच में सो रहा है इधर पे, मतलब इसका कोई घर बार नहीं है, ये कोई जॉब नहीं करता, इसका कोई दोस्त या कोई पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं करता ये, ठीक है? तो हम आवारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वागाबॉन्ड। सोपी क्या है, सोपी एक वागाबॉन्ड इंसान है, मतलब कोई घर बार नहीं है इसका, सड़क पे सोता है, सड़क में जिंदगी बिता रहा है, और उसके पास कोई जॉब भी नहीं है, चोरी चकारी करके, छोटी मोटी चोरी कर करके ये अपना दिन क्या कर रहा है, काट रहा है। समझ में आ गया? सोपी कौन है, वागाबॉन्ड। वागाबॉन्ड मतलब आवारा इंसान। चलिए जी आगे जाते हैं और देखते हैं कि ये सोपी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये ऐसा क्या सोच रहा है सड़क में सोए सोए, देखते हैं। चलो पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी, फिर हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे, ठीक है? मैं पहले थोड़ा पढ़ाऊ बताऊंगी फिर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, फिर थोड़ा बताऊंगी, ऐसा हम कर। तो देखो होता क्या है, सबसे पहली बात हमने क्या देखे, सोपी कौन है, सोपी इज अ शेल्टरलेस थीफ, मतलब इसका कोई घर नहीं है और ये चोरी करता है, ठीक है? लिविंग हिज लाइफ ऑन रोड, कहाँ पे अपनी जिंदगी बिता रहा है, सड़क में रह के, ठीक है? सड़क में रह के, घर भी नहीं है इसका। अब क्या होता है, अब आ जाती है ठंडी, एकदम खतरनाक वाली ठंडी, विंटर आ जाता है, ठीक है? सर्दियों का मौसम और बाहर के शहरों में सर्दी आई, मतलब कि क्या होगा, स्नोफॉल होगा, और स्नोफॉल होगा मतलब आप बाहर रोड में नहीं सो सकते रात में, अगर आप रात में सोए तो सुबह बर्फ बन के उठोगे, ठीक है? और फिर आपको वही बर्फ लेके जाएंगे उठा के। तो यहाँ पे सोपी की परेशानी क्या होती है, ये रहता तो रोड में है बट अब आ चुका है ठंडी का मौसम, अब सोपी एकदम परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि मैं क्या अल्टरनेटिव निकालूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को इस ठंडी से मैं बच जाऊं, ठीक है? इस ठंडी से बच जाऊं, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहाँ पे जाऊंगा, ठीक है? तो प्लान बनाता है, प्लान बनाता है, दिमाग में सोचता है मैं ऐसा क्या करूं क्या करूं, लेटे लेटे सोचता है सोचता है और सोचता है। फिर अचानक से उसका बत्ती जल जाती है दिमाग की, और उसके दिमाग में आ जाता है एक आइडिया। क्या आइडिया आ जाता है सोपी को, कि मैं एक काम करता हूं ना, मैं छोटा मोटा सा जुर्म कर देता हूँ, ठीक है? ऐसी अपने इंटेंशनली जबरदस्ती कोई भी एक जानबूझ के एक जुर्म कर देता हूँ, और वो चीज पुलिस वाला देखेगा, और मुझे ठंडी कितने टाइम के लिए रहती है, 3 महीने के लिए रहती है ना, तो मुझे इतना छोटा क्राइम करना है कि मुझे कम से कम 3 महीने की सजा हो जाए, है ना? अब पुलिस मुझे जब गिरफ्तार करेगा तो मुझे जेल में डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा, इसका मतलब क्या है, फुकट का खाना, फुकट की छत, और काम धंधा भी करना नहीं पड़ेगा, मस्त बैठे बैठे ठंडी से भी बच जाऊंगा बैठे बैठे, चलेगा यार, प्याज रोटी मिलेगी बट पेट तो भरेगा ना बैठे बैठे, और मेरी जिंदगी तो बच जाएगी, 3 महीना ही तो निकालना है ना। चलो एक काम करता हूँ, यही वाला टेक्निक अप्लाई करता हूँ, छोटा मोटा क्राइम करता हूँ, और पुलिस मेरे को 3 महीने के लिए गिरफ्तार कर लेगी, है ना? तो ये आइडिया सोपी की दिमाग में बत्ती जलती है, और वो क्या हो जाता है, लग जाता है एक छोटा सा क्राइम करने के लिए, ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो अभी हम रीड करते हैं, आपका चैप्टर की शुरुआत क्या हुई है, थोड़ा इसमें एक्सप्लेनेशन और ज्यादा है बट मैंने आपको थीम बता दी। देखो क्या होता है, सोपी लेफ्ट हिज बेंच एंड स्ट्रोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर एंड अक्रॉस द लेवल सी ऑफ एस्फाल्ट वेयर ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू फ्लो टुगेदर। अब ब्रॉडवे ही टर्न एंड स्टॉप एट अ लग्जीरियस कैफे। देखो ये जगह का नाम बता रहा है कि ये ब्रॉडवे, फिफ्थ एवेन्यू, ये सब जगह का नाम है, ठीक है? क्या होता है कि सोपी बैठा होता है ना बेंच में, पड़ा होता है, घर बार तो है नहीं, बेंच में सो रहा है, वहीं पे खा रहा है, वहीं पे सब कर रहा है। तो फिर उसके दिमाग में जब आइडिया आ जाता है कि मैं छोटा मोटा क्राइम करके 3 महीना जेल में जाऊंगा, तो क्या करता है, बेंच में से उठता है और चलने लगता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोल करना, STRO, ये जो ब्लैक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्ट्रोल करना, उठ के वो चलने लगता है दम लेजीली। ओके उसके बाद क्या होता है,
सबसे पहला प्लान सोपी क्या बनाता है, मैं काम करता हूँ ना, छोटा मोटा क्राइम करना है मेरे को, मैं काम करता हूँ, एक शानदार सी होटल में जाके मस्त लंच करता हूँ, ठीक है, और फिर जब बिल देने की बारी आएगी तो मैं बोलूंगा मेरे पास कोई बिल नहीं है, मैं पैसा लाना भूल गया, और फिर सामने वाला जो वेटर है वो मुझे गिरफ्तार करवा लेगा, अरे भाई छोटा मोटा तो क्राइम है, सिर्फ लंच का मैंने पैसा ही तो नहीं दिया हूँ, तो मुझे थोड़ी फांसी की सजा होगी, मुझे तो बस 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अब मैं तो वही तो चाहता हूँ, होटल में फ्री का खाना भी मिल जाएगा, और मेरा जो मकसद है 3 महीने काटने हैं जेल में, मस्त ठंडी गुजरेगी जेल में, वो भी पूरी हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहला प्लान सोपी का क्या होता है कि वो क्या करने वाला है, लग्जीरियस कैफे में, यानी एकदम शानदार एकदम एक्सपेंसिव होटल में क्या करने वाला है, लंच करने वाला है, और उसका पैसा देगा क्या, पैसा नहीं देगा। चलो देखते हैं उसके प्लान के मुताबिक चीजें होती है या नहीं होती है, वो तो आगे पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। देखो, सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड, ही वॉज शेवन एंड हिज कोट वॉज ट्रिम एंड हिज नीट टाई ब्लैक बो हैज बीन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सोपी जनाब थे, ये मैं उसकी फोटो बनाती हूँ, वन सेकेंड, देखो ये समझो सोपी है, ठीक है, तो इतना हिस्से में वो ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि उसने जहां तक शर्ट पहना है वहां तक वो ऊपर वाले हिस्से में क्या है, अपवर्ड हिस्से में उसका एकदम फुल कॉन्फिडेंस है, ठीक है, क्यों, बिकॉज उसने गले में एक बो लगाया हुआ है, ठीक है, गले में एक बो लगाया हुआ है, और उसने जो शर्ट पहना हुआ है वो एकदम अच्छा है, ओके, प्लस उसने अपनी जो दाढ़ी है वो भी बना लिया है, मतलब कोई उसको देख के ऐसा बोलेगा नहीं कि आवारा इंसान है, इतने सालों से कुछ दाढ़ी मूछे नहीं बनाया है, उसने फेस भी ट्रिम कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इतना तो हिस्सा सही है, बट इसकी जो पैंट है और उसके जो जूते है वो फटे चटे, सोपी का जो पैंट है और उसके जो जूते है वो फटे चटे है, यानी डिकेंडेंट है, ठीक है, उसके ट्राउजर और उसके जूते, तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि ऊपर वाले हिस्से में तो सोफी को कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है, बट नीचे वाले हिस्से में नहीं है, तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि क्यों ऐसा है, तो या रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज उसकी पैंट यानी ट्राउजर और उसके जूते फटे चटे, ठीक है, देखो वही लिखा है, सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, किधर, अपवर्ड ऊपर वाले हिस्से में, क्यों ऐसा, बिकॉज उसने शेव किया हुआ है, उसने अच्छा सा कोट भी पहना हुआ है, और उसने गले में बो भी लगाया हुआ है, ठीक है, बो भी लगाया हुआ है, ये बो उसको किसने दिया था, एक लेडी मिशनरी ने दी थी थैंक्स गिविंग डे पे, थैंक्स गिविंग डे एक प्रकार का क्रिश्चियंस लोगों में रिलीजन के बेस पे ऐसा होता है ना कि वो टाइम वो लोग बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं, तो एक एक लेडी ने उसको आके क्या की थी, ये बो गिफ्ट करी थी, गरीब था ना, पड़ा था बेंच में, तो दे दी होगी। इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड, सक्सेस वुड बी हिज। तो सोपी के दिमाग में क्या चल रहा था कि ना मेरे को कैसे भी करके ये शानदार होटल के टेबल में जाके बैठ जाना है, क्यों ऐसा, जैसे ही वो जहां पे जाके बैठ जाएगा बस बाकी का आगे का रास्ता आसान है, क्यों, बिकॉज जब हम टेबल में बैठते हैं तो हमारा सिर्फ ऊपर का इतना हिस्सा दिखता है ना, और इतना हिस्से में तो सोफी तो फुल चकाचक है, वो तो एकदम अमीर, एकदम ऐसा लग रहा है भाई बिल गेट्स का कोई करीबी का दोस्त लग रहा है, ऊपर से तो मस्त है, अब ये टेबल के नीचे जो उसकी फटी चटी पैंट है वो थोड़ी दिखने वाली है टेबल के बाद, तो वो ही इधर पे लिखा हुआ है कि सोपी बस किस चीज में लगा हुआ था कि कैसे भी करके मुझे रेस्टोरेंट के अंदर घुसना है और जल्दी से टेबल में बैठ जाना है, बस इतना काम मेरा हो गया ना, बाकी का तो आसान है, बाकी का आसान है, ठीक है, तो देखो, द पोर्शन ऑफ हिम डेट वुड शो अबाउ द टेबल वुड रेस नो डाउट इन द वेटर्स माइंड, जो हिस्सा उसके टेबल के ऊपर का दिखेगा वो देख के तो वेटर जो होगा होटल का वो कभी डाउट कर ही नहीं सकता कि एक आवारा इंसान है, ये एक गरीब भिखारी है, कोई जिसके पास 1 रुपया नहीं है जेब में, है ना, क्योंकि ऊपर से तो चकाचक है, तो उतना उसका चल रहा था। अब क्या होता है जनाब, देखो सोपी जो है सोते 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 तो नहीं, चलते चलते क्या कर रहा है,
दिमाग में सोच भी रहा है कि मैं उधर जाके क्या क्या ऑर्डर करूंगा, क्या क्या खाऊंगा, ठीक है? तो देखो क्या क्या खाने की सोच रहा है ये। अ रोस्टेड मलाड डक, सोचता है मैं उस शानदार होटल में जाके मलाड डक, मैं बताती हूँ, रुक जाओ, सबकी फोटो भी लगाई हूँ मैंने, मलाड डक वाइन, एक बॉटल वाइन पिएगा, उसके साथ थोड़ी सी चीज खाएगा, उसके फोर्थ चीज कॉफी पिएगा और एक सिगार, ठीक है? तो सोपी का क्या प्लान है? लग्जीरियस होटल में जाके वो पांच चीज खाने वाला है, मलाड डक, एक बॉटल वाइन, चीज, कॉफी एंड सिगार, ठीक है? यहाँ पे कहाँ गई, हाँ, मलाड डक। देखो ये डक जो होती है ना, जैसे अपने यहाँ पे चिकन खाया जाता है ना, तो उसी प्रकार से डक, बतख को भी खाया जाता है। तो ये जो डक आपको इधर पे दिख रही है, इसका नाम है मलाड। ओके, तो दिमाग में वो प्लान बनाता है कि मैं मलाड डक खाऊंगा, एक बॉटल वाइन पीऊंगा, चीज भी लूंगा, कॉफी भी पीऊंगा, सिगार भी पीऊंगा, हाँ मजा आ जाएगा, फ्री में खाऊंगा और पैसा नहीं भरूंगा, फिर 3 महीने की सजा हो जाएगी, 3 महीने की सजा में मेरी ठंडी भी कट जाएगी, क्या मजेदार जिंदगी है भाई मेरी, ऐसा दिमाग में खुश होते रहता है, ठीक है? बट होता क्या है, चलो, $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ, बोलते हैं कि $1 की, हाँ चलो एक एक ही सिगार मंगाऊंगा, ज्यादा नहीं मंगाऊंगा, वरना वो लोग गुस्सा ना, मतलब वो ना हो जाए कि बहुत ज्यादा इसने खा लिया है तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया, तो मैं ना थोड़ा थोड़ा ही, मतलब $1 की सिगार मंगाऊंगा, ज्यादा नहीं। प्लानिंग देखो जनाब की कितनी चल रही है, बट देखते हैं इसके प्लानिंग के अनुसार चीजें होगी या नहीं होगी। द टोटल वुड नॉट बी सो हाई एज टू कॉल फोर्थ एनी एक्सट्रीम ऑफ रिवेंज फ्रॉम द कैफे मैनेजमेंट। देखो वही बोल रहा है कि मैं इतना ज्यादा नहीं खाऊंगा, मैं जितना खाऊंगा उसका टोटल इतना ज्यादा ना हो जाए कि जो रेस्टोरेंट का जो मैनेजमेंट है वो मेरे पे 3 महीने से ज्यादा का कुछ केस लगा ले, ठीक है? तो बोलते कि मैं ना जो भी खाऊंगा थोड़ा लिमिट में खाऊंगा और ज्यादा खर्चा नहीं कर दूंगा, मेरे को बस 3 महीने की सजा चाहिए। सोपी भाई कंट्रोल करना उधर जाके, ठीक है? कंट्रोल भाई कंट्रोल। एंड येट द मीट वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आईलैंड। वो क्या बोलता है, और क्या भाई, फिर तो मेरा पेट भी भर जाएगा, मेरा लंच भी हो जाएगा, मैं खुश भी हो जाऊंगा और अपनी जर्नी के लिए जेल में निकल पड़ूंगा। तो यहाँ पे विंटर आइलैंड अपना क्या है, यहाँ पे विंटर आइलैंड अपना जेल है, प्रिसन। देखो आपके ना चैप्टर में जेल को अलग अलग वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है, मैं लिख देती हूँ, आपके चैप्टर में कहीं भी ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, तो सबका मतलब सेम है, ये सबका मतलब सेम है, देख लो, जेल, प्रिसन, लिम्बो, विंटर आइलैंड, अरकाडिया, सबका मतलब अपना क्या है, वही तड़ी पार, जेल। ओके, तो ये यहां तक अब कहानी चल रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट एज सोपी सेट फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट रोड, द हेड वेटर्स आई फेल अपॉन हिज टैटर्ड ट्राउजर एंड डिकेंडेंट शूज। ओ भाई साहब, जो चीज का सोपी को डर था वो ही चीज हो गई। क्या हो गया, जैसे ही सोपी उस शानदार रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला और अंदर गया, सामने से वेटर आया और सोपी के पैर में उसकी नजर गई, उसने देख लिया कि ये जो सोपी जनाब के जूते फटे चटे हैं, ट्राउजर फटी छटी है, ये इंसान इतनी शानदार होटल में कैसे आ गया भाई, ये अगर यहाँ पे आएगा अभी इतनी एक्सपेंसिव चीज का पैसा दे ही नहीं सकता, ठीक है? तो क्या हो गया, वेटर की नजरें पड़ गई, किधर पे पड़ गई, टैटर ट्राउजर यानी फटी हुई ट्राउजर और फटा हुआ शूज, डिकेंडेंट शूज। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड टर्न, क्या हो गया, रुक जाओ, हाँ, एंड कन्वेड हिम इन साइलेंस एंड हेस्ट टू साइड वॉक एंड अवर्टेड द इग्नोबल फेथ ऑफ मेन एंड मलाड। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस हो गया क्या, एक सेकंड, ओके 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 ओके, थोड़ा सा इधर पे टेक्स्ट बुक की 3-4 लाइन मिस हो गई, तो बस आगे देखो उतना ही लिखा था कि जो वेटर है उसकी नजरें सोपी के पैरों में पड़ गई, तो क्या हो गया, वो वेटर ने सोपी को क्या कर दिया, अंदर आने ही नहीं दिया और होटल के बाहर धक्का मार के फेंक दिया, ठीक है?
देखो आपको फिर से बताती हूँ क्या हुआ है। सोपी का सबसे पहला प्लान क्या है कि वो एक लग्जीरियस कैफे में जाके लंच करेगा, ठीक है? ये उसका प्लान है, ये उसका मिशन है जो उसको किसी भी हालत में सक्सेस पानी है, ताकि उसको 3 महीने की सजा हो जाए। वो क्या सोचता है, मैं जाके वहां पे रोस्टेड मलाड डक खाऊंगा, एक एक बोतल वाइन की पीऊंगा, चीज खाऊंगा, सिगार पीऊंगा, ठीक है? ये सारी चीजें वो सोचता है और फिर जाता है अंदर लग्जरियस कैफे के। बट क्या हो जाता है, वेटर की नजर उसके पैरों में पड़ जाती है और वो वेटर सोपी को उठा के होटल के बाहर फेंक देता है और उसको अंदर आने ही नहीं देता। तो सोपी का जो सबसे पहला प्लान है वो क्या हो जाता है भाई, रिजल्ट क्या मिला उसको? अनसक्सेसफुल, मिशन अनसक्सेसफुल। अरे यार क्या सोपी जनाब, क्या गुंडा बनेगा। चलो देखते हैं अब क्या होता है। देखो यहाँ पे बस ये लिखा है, देखो इग्नोबल फेथ ऑफ द मेनेंस मलाड, बोल रहे हैं कि देखो मेनेंस मलाड डक जो होती है ना बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि सोपी जो है वो मलाड डक को फ्री में खाने की सोच रहा था ना, तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया कि वो मलाड की किस्मत अच्छी थी कि वो सोपी को खाने नहीं मिला फ्री में, मतलब वो मलाड डक का क्या बोले गए, बच गया वो फ्री में खुद खाने से, बच गया, ठीक है? तो ये मलाड डक ऐसी है बस। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, ठीक है, उस जगह से वो होटल से निकल के आगे बढ़ गया। इट सीम्ड दैट हिज रूट ऑफ द कोवेटेड आइलैंड वाज नॉट टू बी एन इजी वन। कोवेटेड का मतलब भी अपना जेल ही है, एक और वर्ड ऐड कर देना उसमें, लिम्बो सब जो मैं लिखी थी उसमें एक और वर्ड ऐड कर देना, कोवेटेड। तो क्या होता है, सोपी बोलते हैं अरे यार मैं तो बड़ा आसान समझ रहा था, जेल में जाना तो बड़ा आसान है, बट मेरा पहला प्लान तो फेल हो गया। बट सोपी हार मानने वालों में से नहीं है, प्लान बी ट्राई करेगा। सोपी झुकेगा नहीं, प्लान बी ट्राई करेगा। चलो देखते हैं प्लान बी क्या है। सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइस। क्या हो गया भाई, एक प्लान फेल हो गया तो दूसरा प्लान मैं निकालता हूँ। सम अदर वे, लिम्बो का मतलब क्या बताइए, जेल, जेल में जाने का कोई दूसरा प्लान मैं डिवाइस करता हूँ, यानी इन्वेंट करता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है? अभी थोड़ा सोच समझ के बनाता हूँ, पहले वाले में ज्यादा ओवर हो गया था, अभी सोच समझ के बनाता। एट द कॉर्नर ऑफ सिक्स्थ एवेन्यू, देखो ये जगह का नाम है सिक्स एवेन्यू, ऐसे अलग अलग प्रकार के रोड होते हैं, फर्स्ट एवेन्यू, सेकेंड एवेन्यू, तो रोड में सिक्स रोड में वो जाता है, तो उधर पे उसको क्या दिखता है, एक इलेक्ट्रिक लाइट दिखती है जो कि बहुत ही चमचमाती हुई एक दुकान में लगी हुई है, ठीक है? और वो दुकान की जो दरवाजा है पूरा कांच का है। देखो ऐसा होता है ना, एक दुकान होती है उसका दरवाजा पूरा कांच का होता है, और आप वो दुकान के बाहर खड़े रहोगे ना तो उस दुकान के अंदर की सारी चीज आपको नजर आएगी। तो ऐसी सेम दुकान सोपी के सामने आती है, किधर पे, सिक्स्थ एवेन्यू के पास। तो वो दुकान बड़ी शानदार उसको लगती है, किसको, सोपी को। तो सोपी का प्लान होता है और उसी के वही दुकान के सामने पुलिस वाला भी खड़ा होता है, ठीक है? तो सोपी प्लान बनाता है। ओ भाई बड़ी मजेदार कांच है, चलो यार कुछ कांड करता हूँ, पुलिस भी इधर पे खड़ी है, पत्थर मारता हूँ, पत्थर मारूंगा, कांच तोड़ दूंगा और फिर पुलिस वाला मुझे देखेगा, दुकान वाला भी आएगा और मुझे 3 महीने की सजा हो जाएगी। मस्त प्लान है यार, मस्त प्लान है। चलो 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 जाता हूँ। क्या करता है सोपी, सोपी टुक अ स्टोन, पत्थर उठाता है एंड डैश थ्रू द ग्लास, और वो इतनी शानदार ग्लास में मार देता है। आसपास के सारे लोग आ जाते हैं, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, आसपास के सारे लोग आ जाते हैं, पुलिस मैन भी उसके पास जो खड़ा हुआ था वो भी आ जाता है, ठीक है? और देखो इतना आपको समझ में आ गया, तो ये सोपी का सेकंड प्लान है। देखो फिर से बताती हूँ मैं, वॉट इज द प्लान, वॉट इज द सेकेंड प्लान ऑफ सोपी। सेकेंड प्लान ऑफ सोपी इज टू ब्रेक द शॉप्स ग्लास विंडो, एक दुकान की कांच की ग्लास उसको तोड़ना है, ठीक है? अब क्या देखो, ऐसा कुछ प्रकार से दिखती है ना, मस्त अंदर का सारा दिख रहा है। सोपी क्या करता है, इतना बड़ा पत्थर मारूंगा। सोपी क्या प्लान करता है, सोपी का प्लान होता है कि इस दुकान में ना पत्थर मारूंगा। बट होता क्या है, होता क्या है मैं बताती हूँ, आगे पढ़ेंगे, इतना मैंने आपको बता दिया। देखो अब होता क्या है, सोपी स्टूड स्टिल विथ हिज हैंड इन हिज पॉकेट एंड स्माइल एट द साइट ऑफ ब्रास बटन।
वेयर इज द मैन डेट डन डेट, इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेटली. डोंट यू थिंक डेट आई माइट हैव डन समथिंग टू डू विथ इट. देखो क्या होता है, मैं बताती. सोपी का सेकेंड प्लान होता है कि मैं बड़ी सी ग्लास कांच की पत्थर मार के तोड़ देता हूँ. यहाँ पे पुलिस खड़ी है, देखेगी मेरे को पत्थर मारते हुए और मुझे गिरफ्तार कर ले. तो प्लान के मुताबिक सोपी जनाब जो होते हैं पत्थर उठाते हैं और फाट करके मार देते हैं दुकान में, और ऐसा खड़े हो जाते जल्दी से, मतलब मार के वही दुकान के सामने ऐसा फटक से खड़े हो गया. बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, उसने जब पत्थर मारा तो किसी ने नहीं देखा कि पत्थर सोपी ने मारा है. तो लोग जो है आसपास फटाफट आने लगते हैं, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, किसने पत्थर मारा, और सोपी जनाब तो ऐसे ही खड़े वहीं पे. अब उसके बाजू में, सोपी के बाजू में पुलिस आ जाती है. तो सोपी जो है पुलिस को बोलते हैं, और क्या फिर मुझे गिरफ्तार कर रहे हो ना आप? तो पुलिस फला बोलते हैं, क्या हो गया भाई, कौन सा नशा करके आयो, आपको काय को गिरफ्तार करेंगे, जिसने कांच तोड़ा है उसको गिरफ्तार करेंगे. तो सोपी बोलते हैं, आपको नहीं लगता ये ग्लास, ये कांच जो है ये मैंने तोड़ा हूं, ये कांच मैंने तोड़ा हूं, तो मुझे गिरफ्तार करिए. तो बोलते हैं, होशियारी क्या है भाई, अगर एक चोर चोरी करेगा तो चोरी करके उधर ही खड़ा रहेगा या भाग जाएगा? तू चोर है, तूने पत्थर अगर मारा है तो तू भागेगा कि वहीं पे खड़ा रहेगा कि आके मुझे गिरफ्तार करो भाई, चलो और भी हमको काम धंधा, टाइम वेस्ट मत करो. ऐसा बोल के जो पुलिस है यहाँ पे दूसरी तरफ देखने लगता है, और उसकी नजर एक बेचारा दूसरा इंसान भाग रहा होता है, ठीक है, वो उसकी कोई कार छूट रही होती है, ठीक है, वो कार के पीछे भाग रहा होता है. तो पुलिस को लगता है कि ये भाई वो इंसान भाग रहा है, मतलब इसने पत्थर मार के भागा है, तो पुलिस भी उसके पीछे भागने लग जाता है. और सोपी बोलता है, क्या था भाई ये, सेकंड प्लान भी फेल, ओ भाई साहब. तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, प्लान क्या था, फेंकना है. तो ऐसा बोलता है, कौन किसको बोलता है, पुलिस वाला सोपी को बोलता है, होशियारी, मुंह दिया तो कुछ भी बोलने का, हाँ चोर है पत्थर मार के वही खड़ा रहेगा या भाग जाएगा, ऐसा बोल के उसको गिरफ्तार नहीं करता है. ठीक है, देख लो आगे. पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू. पुलिसमैन सोपी को चोर मानने से रेडी ही नहीं होता. पुलिस क्या बोलता है, कोई चोर अगर विंडो तोड़ेगा तो वहां पे वो क्या पुलिस से बात करते हुए खड़ा रहेगा या दे टेक टू देयर हील्स, या वो भाग जाएगा? द पुलिस मैन सॉ अ मैन हाफ वे डाउन द ब्लैक रनिंग टू कैच अ कार. पुलिस की नजर दूसरे इंसान पे जाती है जो बेचारा अपनी कार पकड़ने के लिए भाग रहा होता है. तो पुलिस को लगता है वो चोर है, और वो अपना विद ड्राउन क्लब ही ज्वाइन इन द परस्यूट. ड्राउन क्लब, क्लब वो पुलिस लोग के हाथ में जो डंडा होता है ना, वो डंडा लेके पुलिस वाला वो बेचारे इंसान के पीछे भागने लगता है. सोपी विथ डिसगस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलोंग ट्वाइस अनसक्सेसफुल. अरे यार बेचारा सोपी, क्या हो गया, फिर से उसके दिल में डिसगस्ट हो चुका है, मतलब बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी है कि उसका सेकंड प्लान बैक टू बैक अब फेल हो गया है दूसरी बार, है ना. प्लान ए लग्जूरियस कैफे में खाना खाने का फेल हो गया, प्लान बी दुकान की ग्लास को तोड़ने का, वो भी अब अनसक्सेसफुल हो गया. ठीक है, अब सोपी बेचारा हो गया है परेशान, उदास होके सोपी जनाब चल रहे है, ठीक है, चल रहे है रोड में. अब क्या करे भाई, बैक टू बैक दो प्लान फेल हो गए है, सोपी झुकेगा नहीं, दो प्लान फेल हुए ना, तीसरा ट्राई करता हूं, तीसरा वाला हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए, बट आज कैसे भी करके मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज रात मैं इस ठंडी में बेंच में सोया रोड में, तो मैं सुबह उठने वाला नहीं हूं, मैं बर्फ बन के जम जाऊंगा और मेरी डेथ है, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा. सोती सोच, क्या कर सकता है तू, सोच जल्दी जल्दी. तो दिमाग लगाते हैं, चलते रहते हैं, और अचानक से उसकी नजर पड़ती है एक और होटल में. अब ये जो होटल है, ये होटल कोई बड़ी शानदार फाइव स्टार लग्जूरियस ऐसी नहीं है, ये एक नॉर्मल सी लोकल होटल है, जहाँ पे एक जिसके पास बहुत कम पैसा है वो भी क्या कर सकता है, बहुत सारा खाना खा सकता है, मतलब होती है ना नॉर्मल सी होटल्स, वैसी नॉर्मल सी होटल है. बोलते हैं, चलो यार इधर पे तो मैं जा सकता हूँ ना, इधर पे थोड़ी मेरे को कोई कपड़े के बेस पे कोई जज करेगा. चलो सोपी अब जाएगा और अपना प्लान
सक्सेसफुल करके आएगा। सोपी होता है, जाता है, जाता है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशन। एक रेस्टोरेंट दिखती है, कोई हाई फाई नहीं है, नो ग्रेट प्रिटेंशन, कोई फाइव स्टार नहीं, एकदम लोकल सी है। कैसी है? इट कैटर टू लार्ज एपिटाइट्स एंड मॉडरेट पर्सेस। ये जो होटल है ये किस किन कैसे कैसे लोगों को सर्व करती है, जिनको बहुत सारा भूख लगी है, लार्ज एपिटाइट, और उनके पास क्या है, पैसा कम है, पर्स मॉडेस्ट है, मतलब पैसा कम है लेकिन उसके बावजूद वो ज्यादा खाना खा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसी होटल उसको मिल जाती है। इट कॉकरीज एन एटमोसफियर वेर थिक एंड इट सूप एंड एवरीथिंग। मतलब वही बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई फाइव स्टार की तरह लोग ने एनवायरमेंट के पैसे नहीं दिए, यहाँ पे बस खाने का ही पैसा होता है, क्योंकि होटल इतनी खास है नहीं, डेकोरेशन वेकोरेशन कुछ है नहीं। कॉकरी मतलब जो भी प्लेट वगैरह जो होती है ना होटल में, वो भी इतनी खास है नहीं, तो सब नॉर्मल सा है, तो ऑफकोर्स पैसा भी कम ही लगेगा। इन टू दिस प्लेस सोपी बिटोक हिमसेल्फ विदाउट एनी चैलेंज। सोपी जनाब इस होटल में घुस जाते हैं और कोई इसको इस होटल में घुसने से नहीं रोकता। अब सोपी मस्त मजा आ चुका है, सोपी बहुत सारा खाना खाता है इधर पे बैठ के, पूरा महीने का जितना भी उसको भूख लगी होती है सब खा लेता है। क्या क्या खाता है देख लो, बीफ स्टिक, फ्लैप जैक, डोनट, पाए, ये सारी चीज सोपी ठूस लेता है उस होटल में जाके। ठीक है, एंड देन ही टोल्ड द वेटर द फैक्ट दैट द माइनस कॉइन एंड हिमसेल्फ वे टोटल स्ट्रेंजर। और पूरा खाने के बाद जब वेटर उसके पास आता है बिल लेके, तो सोपी जनाब बोल देते हैं कि मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं है, आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हो और मैं गिरफ्तार होने के लिए रेडी हूं, ऐसा सोपी बोल देता है। ठीक है, इतना हो चुका है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखो सोपी का थर्ड प्लान क्या है कि एक लोकल होटल में मैं डिनर करूंगा। लोकल होटल में देखो, पहली होटल लग्जीरियस थी, अभी सेकंड, जो सेकंड तो उसने विंडो तोड़ा, और थर्ड में लोकल होटल में खाएगा। लोकल होटल क्या करेगा, फ्लैप जैक वो सब खाएगा, एकदम नॉर्मल सी होटल है। क्या होता है देखते हैं, वेटर को उसने बोल दिया है कि मेरे पास पैसा नहीं है, गिरफ्तार कर लो। क्या होगा अभी, चलो देखते हैं। नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कोप, सेट सोपी। सोपी बोल देता है पैसा नहीं है, जाओ गिरफ्तार कर लो, पुलिस को बुलाओ, मैं रेडी हूं गिरफ्तार होने के लिए। डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और मुझे ज्यादा वेट मत कराइए, मैं जेल जाने के लिए बड़ा बेताब हूं। नो कोप फॉर यू। वेटर क्या बोलता है, तुम्हारे लिए पुलिस हम नहीं मंगा रहे हैं। विथ अ वॉइस लाइक बटर केक एंड आई लाइक चेरी। देखो आग जब हमारी लाल हो जाती है गुस्से से, चेरी कैसी होती है, लाल कलर की होती है ना, तो जो वेटर होता है ना उसकी आंख एकदम लाल हो जाती है गुस्से से, और वो बोलता है कि हम तुम्हारे लिए पुलिस नहीं मंगा रहे, मतलब तुम्हारे लिए पुलिस नहीं ला रहे। तो क्यों नहीं ला रहे, क्या हो गया भाई, बोलता है कि ये हमारे कस्टमर्स बहुत सारे इधर पे बैठे हैं, पुलिस को यहाँ पे बुलाए गए तो बहुत बड़ा सीन हो जाएगा, हमारे होटल का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब झंझट में हमको नहीं पड़ना है, इसलिए आज छोड़ रहे। देखो बेटा उसको उठाते हैं और फिर से लात मार के सोपी को उस होटल से भगा दिया जाता है। अरे यार बेचारे सोपी कितनी लात खा रहा है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या याद रखना है, सोपी का प्लान क्या था, एक्चुअल में क्या हुआ। ठीक है, तो सोपी का थर्ड प्लान क्या था कि फ्री का खाना खाऊंगा एक लोकल होटल में, बोल दूंगा कि बिल का पैसा नहीं है, ठीक है, वो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बट एक्चुअल में क्या हुआ, वेटर ने बोला कि हम आपके लिए पुलिस नहीं मंगा रहे हैं, आपको गिरफ्तार नहीं करवाएंगे। क्यों? बिकॉज इधर पे हमने पुलिस मंगा है। तो क्या होगा, पुलिस जब एंटर होती है तो उस होटल में बैठे हुए बाकी सारे जो कस्टमर्स होंगे वो भी तो देखेंगे ना कि ये पुलिस पुलिस का क्या सीन चल रहा है, तो दूसरों की नजरों में उनकी होटल की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तो वो चीज से बचने के लिए वेटर ने सोपी की झंझट में पड़ा ही नहीं, और उसको सीधा बोला कि भाई जा, तेरे को छोड़ रहा हूँ, पुलिस नहीं मंगा रहा, उसको निकाल के फेंक दे। अब सोपी जो है होटल के बाहर पड़ा हुआ है जमीन में, लात मार के तो निकाल दिया, अब जमीन में वो पड़ा हुआ है। तो बोलते हैं ये क्या हो गया भाई, खाना तो खा लिया लेकिन मेरा जो थर्ड प्लान है, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट अनसक्सेसफुल वंस अगेन, दूसरी लात खाया है।
देखते हैं क्या अब भी सोपी हार मानेगा या निकल जाएगा अपने फोर्थ प्लान की तरफ। चलो देखते हैं, रीड करते क्या है। देखो, नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द कैल्यूअस पेवमेंट टू वेटर पिच सोपी, पिच्ड कर देते हैं मतलब उसको थ्रो कर देते हैं सोपी को, और वो ऐसा कान के बल जमीन पे गिर जाता है। ठीक है, दो वेटर उठा के उसको फेंकते हैं, भाई साहब उठा के फाट करके होटल के बाहर फेंक देते हैं, कान के बल वो गिर जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ही अरोज जॉइन बाय जॉइन, अरोज मतलब उठना, अराइज होना, ऐसा आपको एकदम कोई जोर से फेंक देगा तो हम अचानक से थोड़ी उठ जाएंगे, हम पहले अपना हाथ ऊपर करेंगे, फिर कमर ऊपर करेंगे, फिर खुद उठेगा ना, जॉइंट बाय जॉइंट, एक एक जॉइंट करके वो ऐसा ऊपर उठता है। और फिर क्या होता है, एंड डस्टेड हिज क्लोथ, और फिर अपने जो जमीन में गिरा था तो उसके कपड़े में जो डस्ट लगी थी उसको साफ करता है। अरेस्ट सीम नाउ एन एल्यूसिव ड्रीम, सोपी बोलता है भाई अरेस्ट होना तो बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि ये मेरा जो अरेस्ट होने का सपना है ये तो बहुत डिफिकल्ट है। बैक टू बैक तीन प्लान मेरे फेल हो गए। द आइलैंड सीम वेरी फार अवे, आइलैंड इधर पे क्या बताई थी, जेल। सोपी बोलता है अब जेल जाना तो बहुत दूर लग रहा है, शाम हो चुकी है, अब ऑलमोस्ट रात होने आई है, तीन प्लान मेरे फेल हो गए। अ पुलिसमैन हु स्टूड बिफोर अ डक स्टोर टू डोर्स अवे लाफ्ड एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट, बोलते हैं कि सोपी इधर पे बैठ के ऐसा सोच रहा है कि मुझे कोई गिरफ्तार कर लो, और उसी के पास से दो तीन पुलिस होती है, वो अपने एक दूसरे में हंस वस के जाती है, मतलब ऐसी वैसे सिनेरियो बता रहा है कि बेचारे सोपी को गिरफ्तार होना है और पुलिस लोग को तो पड़ी ही नहीं है वैसा। अब क्या होगा, सोपी जनाब जो है ना एकदम पगला जाता है, एकदम डर जाता है, मतलब वो बोलते हैं कि ऐसे तो मैं जब कुछ कांड करता हूँ, ऐसे तो मैं जब कुछ चोरी करता हूँ और जब छुपता हूँ कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, तब तो मुझे बड़ा भाई पुलिस पकड़ लेती है, अब मैं सामने सामने सबके जाके चोरी कर रहा हूँ, सामने सामने जाके सब कांड कर रहा हूँ, तो उसके बावजूद मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। सोपी ये सोच के एकदम डर जाता है, एकदम क्या हो जाता है, सोपी वो सीज्ड विद अ सडन फियर, एकदम डर जाता है और बोलता है भाई मेरे पे कोई जादू टोना तो नहीं हो गया है, ऐसा तो नहीं हो गया है कि मुझे कोई गिरफ्तार होने से बचा रहा है, कोई आत्मा तो नहीं आ गई है जो मेरे को ऐसा कर रही है, मेरे अंदर कोई आत्मा, मतलब ऐसा ड्रेडफुल एनचांटमेंट हैड रेंडर हिम टू इम्यून अरेस्ट, एनचांटमेंट मतलब मेरे अंदर कोई ऐसी मैजिकल खतरनाक ड्रेडफुल डरावनी पावर तो नहीं आ गई है जो मुझे गिरफ्तार होने से रोक रही है, भाई मेरे अंदर दो इंसान तो नहीं है, मैं सोपी और कुछ एकदम पगला जाता है, उसके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं। ठीक है, ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, पैनिक मतलब घबरा जाता है, एंड वेन ही केम अपॉन अनदर पुलिसमैन longing grandly in front of a glittering theater, he caught at the immediate straw of disorderly conduct. अब क्या होता है, ये सभी जब वो सोच रहा होता है, उसी के सामने दो तीन पुलिस जा रही होती है, ठीक है, और वो पुलिस को देख के सोपी एकदम डिसऑर्डर बिहेवियर करने लगता है, मतलब एकदम पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है, एकदम पागलों की तरह, भाई ऐसा क्या हो गया, अरे भाई सोपी डर में भी बैठे बैठे फोर्थ प्लान निकाल लिए, सोपी का जो डर था उसी में से उसने फोर्थ प्लान निकाल लिया और बोला एक काम करता हूँ, जल्दी से मेरे सामने पुलिस जा रही है, मैं एकदम ना अल्कोहलिक टाइप बिहेव करता हूँ, पुलिस को लगेगा कि ये अल्कोहल पी के यहाँ पे नाच रहा है, चलो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। तो यस, सोपी को आ गया है अब फोर्थ प्लान। तो सोपी का फोर्थ प्लान क्या है, चलो जल्दी से देख लेते हैं। देखो यही है, सोपी की हालत एकदम खराब हो जाती है, ओ भाई तीन बार अनसक्सेसफुल बैक टू बैक, क्या हो गया, गिरफ्तार होना है मेरे को, अगर आज गिरफ्तार नहीं हुआ तो मेरी कल डेथ है, रात में सोऊंगा बर्फ बन के उठूंगा, किसी भी प्रकार से आज मुझे गिरफ्तार होना है, घर नहीं है मेरे पास, छत नहीं है, जेल ही एक सहारा है जहां पे मुझे छत मिलेगी, खाना मिलेगा, तीन महीना बैठे बैठे। फट जाती है सोपी की हालत खराब, हवा टाइट, ठीक है, लेकिन उसी के दौरान क्या होता है, सामने से पुलिस जाती है और सोपी को उसी के दौरान फटाक से एक आइडिया आता है, चलो भाई अल्कोहलिक टाइप का बिहेव करो, ये मुझे उठा के लेके जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है, ऑन द साइडवॉक सोपी बिगेन टू येल, येल यानी चिल्लाना, शाउट, चिल्लाने लगता है, ड्रंकेड अल्कोहलिक टाइप बिहेव करने लगता है,
ठीक है, गिबरिश मतलब अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता है, एट द टॉप ऑफ द हार्श वॉइस एकदम जोर जोर से नाचने लगता है, गोल गोल घूमने लगता है, एकदम अजीब अजीब सी आवाज निकालने लगता है, ऐसा लगता है वो आसमानों तक उसकी आवाज चले जाएगी, डिस्टर्ब द स्काई, इतना जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ठीक है, द पुलिसमैन मेरली टुवर्ड हिज क्लब टर्न हिज बैक टू सोपी एंड रिमार्क टू द सिटीजन। क्या होता है, पुलिसमैन जो होता है वो ऐसा अपना क्लब, क्लब मतलब समझे जो पुलिस लोग हाथ में डंडा पकड़ते हैं ना, तो वो डंडे को ऐसा ट्वर्ल करते हैं, ऐसा गोल गोल घुमाता है और सोपी को ऐसा देखता है, और पुलिसमैन के साथ एक इंसान खड़ा होता है, वो लोग दोनों बात करते हैं कुछ, कौन, पुलिस वाला और उसके साथ जो इंसान खड़ा है, वो लोग दोनों बात करते हैं सोपी को देखकर। क्या बात होती है उन लोग के बीच में, चलो, दिस वन ऑफ देम येल लेट्स सेलिब्रेशन गिव्स एग दे गिव टू द हैटफोर्ड कॉलेज, नो इजी बट नो हार्म, वी हैव इंस्ट्रक्शन टू लेट देम बी, ओ माई गॉड। तो यहाँ पे क्या होती है बात, पुलिसमैन वाला खड़ा है, उसके साथ एक सिटीजन है, तो सिटीजन बोलता है कि इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर, तो पुलिस वाला बोल रहा है, क्या बोलता है कि अरे ये पास में एक कॉलेज है, कॉलेज का नाम क्या है, देखो हार्टफोर्ड कॉलेज, ये हार्टफोर्ड कॉलेज में एक्चुअली एक फंक्शन चल रहा है, वो फंक्शन में ना स्टूडेंट्स लोग पी लेते हैं, और पी लेते तो वो ऐसा पीते पीते नशे में कॉलेज के बाहर निकल जाते और फिर ऐसी हरकतें करने लगते, और हम लोग को ऊपर से ऐसा ऑर्डर आया है कि कोई भी इंसान अगर क्या कर रहा है, आवाज कर रहा है बट किसी को हार्म नहीं कर रहा, तो हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं, देखो, नॉइजी आवाज कर रहा है, शाउट कर रहा है बट किसी को हार्म नहीं कर रहा, बट नो हार्म, और क्या है, वी हैव इंस्ट्रक्शन, हमको क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हम ऐसे लोग को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ऐसे लोग को छोड़ दो। ठीक है, तो सोफी जनाब एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं तो भाई चिल्ला रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इधर पुलिस बोल रही है कि हम गिरफ्तार नहीं कर सकते ऐसे लोग को, है ना। तो डिसकॉन्सोलेट सोपी स्टॉप्ड हिज अनवेलिंग रैकेट, बेचारा नाचते नाचते चिल्लाते चिल्लाते पागलों की तरह फाइनली रुक जाता है, बोलते है कब से चिल्ला रहा हूँ यार, ये गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है मेरे को। डिसकॉन्सोलेट मतलब वेरी अनहैप्पी सोपी क्या कर लेता है, अनअवेलिंग, अनअवेलिंग मतलब क्या, ऐसा काम कर जो कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है ना, रुक जाता है। वुड नेवर अ पुलिसमैन ले हैंड ऑन हिम, बोलते क्या मुझे पुलिस आज के दिन पकड़ेगी भी कि नहीं पकड़ेगी, वुड नेवर अ पुलिसमैन ले हैंड ऑन हिम इन हिज फेंस। देखो फोर्थ प्लान चलो देख लेते हैं, तो सोपी का फोर्थ प्लान क्या है, सोपी का फोर्थ प्लान ये है बिहेव ड्रंकेड इन फ्रंट ऑफ पुलिस। देखो पहला प्लान क्या था, लग्जूरियस होटल में लंच करूंगा, सेकंड प्लान था दुकान की जो विंडो है कांच की उसको तोड़ूंगा, तीसरा प्लान क्या है कि सस्ती होटल में जाके खाना खाऊंगा, और अब ये चौथा प्लान उसका क्या है कि पुलिस के सामने अल्कोहलिक शराबी की तरह मैं बिहेव करूंगा। ठीक है, तो देखो शराबी की तरह ऐसा नाचने लगता है, उल्टी सीधी चीजें डांस नाच के कुछ भी करने लगता है, बट पुलिस उसको भाव नहीं देती, वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, बट पुलिस क्या करती है, पुलिस तो उसको भाव भी नहीं देती और पलट के निकल जाती है। तो इसी से यहाँ पे बेचारा सोपी होता है, भाई करवा ली बेइज्जती करवा ली, नाच रहा था, क्या क्या कर रहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, कुछ नहीं हुआ, बेचारे के पूरे कपड़े बटन खुले हैं, बाल आधे टेढ़े हुए पड़े हैं, कुछ हुआ नहीं, पुलिस चले गई, खड़ा है और खुद को बोल रहा है भाई करवा ली बेइज्जती, चौथी बार मेरा प्लान अनसक्सेसफुल, प्लान अनसक्सेसफुल, अब क्या होगा भाई साहब। द आइलैंड सीम एन अनअटेनेबल अकार्डिया, अब क्या बोलता है सोपी, जेल जाना ना, अब क्या लग रहा है पता है, अनअटेनेबल, अनअटेनेबल मतलब क्या कि ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल ड्रीम, वहां पे मैं नहीं जा पाऊंगा भाई, बैक टू बैक फोर्थ प्लान फ्लॉप हुआ है, क्या हो गया है ये, गजब बेइज्जती है हाँ वही सीन इधर पे हुआ है सोपी, गजब बेइज्जती हो गई बेचारे की। ही बटन हिज थिन कोट अगेंस्ट द चिलिंग विंड, जो बटन उसके खोल खोल दिया था उसने जोश जोश में नाचने के चक्कर में, वो ऐसा बंद करने लगता है। ठीक है, और आगे जाता है, अब थोड़ा परेशान हो चुका है बेचारा, अब परेशान, देखो भाई जिंदे मरने का सवाल है उसके, आवारा है, बट अगर आज वो उसको जेल नहीं डाला गया तो उसको वहीं पे सोना पड़ेगा रोड में,
और रोड में रात भर जो ठंडी होगी, जो बर्फ गिरेगी, जो स्नोफॉल होगा, उससे सुबह सुबह नहीं उठेगा, वो भी बर्फ बन के वहीं पर रह जाएगा, है ना। एकदम डर जाता है वो और डर के थोड़ा आगे चलने लगता है इन अ सिगार स्टोर। तो उसकी नजर जाती है एक सिगार स्टोर पे, सिगार मतलब सिगरेट की एक दुकान होती है, वहां पे सोपी की नजर जाती है। वो दुकान के अंदर एक अच्छा खासा कपड़ा पहन के इंसान खड़ा हुआ होता है, ठीक है, और सिगरेट पी रहा होता है वो इंसान। ही हैड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला बाय द डोर ऑन एंटरिंग। वो जो इंसान है अंदर, जो अच्छा खासा कपड़ा पहन के खड़ा है दुकान में, उसने अपना छाता दरवाजे पे रखा है। सोपी की नजर जाती है, वो इसका छाता चुराऊं क्या, दरवाजे के पास रखा है, काम करता हूं, उधर पे पुलिस भी खड़ी है, दुकान वाला भी देखेगा, उसका छाता उठाता हूं और ऐसा भागूंगा कि सबको लगेगा कि मैं छाता चुराने की कोशिश कर रहा था। लोग मेरे पीछे पीछे भागेंगे और मैं बोलूंगा मुझे गिरफ्तार कर लो और मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ सोपी तू कर सकता है, क्या हो गया, फोर्थ प्लान तेरे फ्लॉप हो गए ना, कोई बात नहीं पांचवा प्लान कर, हो सकता है इसमें सक्सेसफुल हो जाए, चल भाई लग जा सोपी, निकल आगे। क्या होता है, सोपी स्टेप्ड इनसाइड, सोपी दुकान के अंदर जाता है, वो छाता को ग्रैब करता है यानी छाता उठाता है, एंड सॉन्टर्ड ऑफ हिम ऑफ विथ इट स्लोली। और सॉन्टर्ड मतलब क्या होता है, वो छाते को उठा के चुपके चुपके उठा के धीरे धीरे भागने लगता है। अब लोग उसको देख लेते हैं, जो अंदर दुकान वाला होता है और उस जो अच्छा कपड़ा पहन के अंदर है वो उसको देख लेते हैं, वो भी सोपी के पीछे पीछे भागने लगते हैं। और सोपी को क्या बोलते हैं, ओ भाई कहाँ किधर, ये मेरा अम्ब्रेला है, माय अम्ब्रेला। ही सेड स्टर्नली, मतलब इरिटेट होकर थोड़ा ट्रबल के साथ, ओ भाई किधर भाग रहे हो, ये मेरा अम्ब्रेला है, ठीक है। क्या होता है फिर, सोपी क्या बोलते हैं, सोपी स्नेड मतलब थोड़ा सा ऐसा मॉकिंग स्माइल, मतलब टेढ़ी हंसी जो होती है ना, थोड़ा स्माइल करके टेढ़ी हंसी के साथ बोलता है, ओ ये तुम्हारा छाता है, ओके ये अगर तुम्हारा छाता है तो देखो उधर पे पुलिस खड़ी है, अब एक काम करो ना, अगर ये आपका छाता है तो पुलिस को बुलाओ, मुझे गिरफ्तार करा लो, ठीक है, ये आपका छाता है ना। तो ये इंसान जो है डर जाता है, बोलता है अरे यार लगता है सुबह मैंने जिसका छाता चुराया था ये ढूंढते ढूंढते मुझे आ गया इधर पे, क्या करूं, ये पुलिस को इसने बता दिया तो फिर तो मेरी तो लग जाएगी, भागना पड़ेगा इधर से कैसे भी भाई साहब। तो बोलते हैं अरे अरे टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो एक्चुअली सुबह मुझे ये छाता मिल गया था तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या है, तो मैं छाता उठा लिया था, ये आपके ही छाता है, आप रखो मैं जाता हूँ, ऐसा बोल के भाग जाता है, ठीक है। और सोपी छाता लेके वहीं पे खड़ा है, बोलता है ये क्या हो गया भाई मेरे साथ, मैं तो इज्जत में चोरी करके छाता खड़ा था और मैं उसको बोल रहा था मुझे गिरफ्तार करा लो, ये क्या सीन हो गया भाई। ओ तो पांचवा प्लान सोपी का कैसे फ्लॉप हुआ, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो सोपी जनाब जो होते आगे चल रहे होते, ठीक है, उसकी नजर पड़ती है किधर, उसकी नजर पड़ती है एक दुकान में, ठीक है, वो देख लेता है, ओ भाई साहब ये छाता चुरा सकते हैं अपन, चुपके चुपके देख रहा होता है। और फिर पांचवा प्लान कि मैं छाता चुराऊंगा, शॉप के बाजू में एक अम्ब्रेला रखा होता है, सोचते हैं अम्ब्रेला लेके मैं भागूंगा, ठीक है, छाता उठा के मैं क्या करूंगा, भागूंगा। लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है, वो छाता जिसका चुराया था सोपी ने, वो खुद इंसान ने सुबह सुबह उस छाते को चुराया था, ठीक है, और ऐसा करके वो इंसान वहां से भाग जाता है। अब सोपी जो होता है वहीं खड़ा रह जाता है, बोलता है भाई ये हो क्या रहा है, दुख दर्द पीड़ा सभी के साथ, आंसुओं से पेट भरना पड़ेगा, ओ माय गॉड सोपी लास्ट दिन है तेरा आज, आंसुओं से पेट भर ले, क्या करेगा अभी, चलो देखते हैं सोपी जनाब क्या करेंगे। ओ माय गॉड सोपी का बैक टू बैक पांचवा प्लान फ्लॉप हो चुका है। देखो मैं जो आपको बताई ना, वेल वाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन, सोपी बोलते पुलिसमैन को बुलाओ ना, अगर ये आपका छाता है तो, ठीक है, क्यों नहीं बुलाते, बुलाओ ना, देयर स्टैंड वन, देखो उधर पे कोने में पुलिस वाला खड़ा है, जाओ बुलाओ मुझे गिरफ्तार कराओ।
तो वो दुकान वो क्या बोलते हैं वो, ओ माय गॉड लगता सुबह सुबह इसका चुराते ही वो आ गया। तो बोलता है ये सब में नहीं लगता है, सुबह सुबह मैंने चुरा लिया था, कोई बात नहीं अपने पास रखो, ऐसा करके वो भाग जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बस लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का और फिर खत्म। वही सोपी का भाई दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है, मन में वो यही सोच रहा है भाई ये दर्द का है खत्म नहीं हो रहा। चलो देखते हैं अब क्या होगा। द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड, वही जिसका अम्ब्रेला वाला जो था वो भाग जाता है। पुलिस मैन हरी टू असिस्ट अ टॉल ब्लॉन्ड इन एन ओपेरा क्लॉक अक्रॉस द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रीट कार। बोल रहे कि यहाँ पे जो पुलिस खड़ी थी वो एक ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड मतलब एक जो इंसान के पीले पीले बाल होते हैं वो क्लॉक पहना होता है, क्लॉक मतलब एक लंबा सा कोट, वो बाहर की कंट्री में वो लोग पहनते हैं जो जिसकी एज ज्यादा होती है, मतलब एक बूढ़े इंसान की हेल्प करने के लिए पुलिस वाला भाग जाता है। और सोपी वहीं का वहीं खड़ा, ना अम्ब्रेला वाले ने उसको कुछ किया ना पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, सब भाग गए और सोपी वहीं पे खड़ा है। अब देखते क्या होता है। सोपी जनाब जो होते हैं अब सब होप खो के वहीं पे जाते हैं जहां से वो आया था, किधर पे, रोड में जहां पे जो बेंच लगी हुई थी। ठीक है, ही हर्ल्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू द एक्सकवेशन, जो उसके हाथों में छाता था वो उसको हर्ल्ड कर देता है, फेंक देता है एक्सकवेशन में, यानी वहां पे काम चल रहा था, खड्डे वड्डे थे उधर पे फेंक दिया। ही मटर्ड अगेंस्ट द मैन हु वेयर हेलमेट्स एंड कैरी क्लब्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लचेस, दे सीम टू रिगार्ड हिम एज अ किंग हु कुड डू नथिंग रॉन्ग। और जब वो छाता फेंक देता है तो पुलिस लोगों के बारे में मटर्ड करने लगता है, यानी खुसखुसाने लगता है, मतलब मन ही मन बोलने लगता है भाई इतनी चोरी कर रहा हूँ सुबह से, इतनी इतने कांड कर रहा हूँ, सुबह से मैं लगा हुआ हूँ, इतना सब कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये लोग पुलिस लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर रहे, मुझे लोग ने राजा समझ के रखे हैं, ऐसा राजा समझ के रखे हैं जो कभी कुछ चोरी कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता, ये लोग काम है गिरफ्तार करना, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे मुझे, ऐसी चीजें वो दिमाग में सोचने लगता है। ठीक है, अब अचानक से क्या हो जाता है, अब अचानक से क्या होता है, चलते चलते एट लेंथ सोपी रीच वन ऑफ द एवेन्यूज टू द ईस्ट वेयर द ग्लिटर एंड टर्मोइल वॉज बट फेंट। ऐसी सोपी टेंशन में चल रहा होता है, चल रहा होता है, और अचानक से एक बहुत ही प्यारी सी जगह में वो चले जाता है चलते चलते। ठीक है, कभी ऐसा होता है ना टेंशन में बहुत, जब हम बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है तो हम कहीं भी मतलब निकल लेते हैं, तो वैसा उसके साथ हो जाता है, वो ऐसी जगह पे चले जाता है जहाँ पे उसको पता नहीं लगता वो किधर है। ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टूवर्ड मेडिसन स्क्वायर फॉर द होमिंग इंस्टेंट सर्वाइव इवन व्हेन द होम इज अ पार्क बेंच। वो उस जगह में चले जाता है लेकिन उसको पता है कि मुझे तो पार्क बेंच में जाना है ना, उसकी जगह वो किधर रहता है, वो बेंच में हम देखे थे ना स्टार्टिंग में वहीं पर। बट ऑन एन अनयूजुअल क्वाइट कॉर्नर सोपी केम टू अ स्टैंड स्टिल। वो जिस जगह में अभी है वो जगह में जाके सोपी एकदम खड़ा हो चुका है। ठीक है, अभी जहां पे सोपी है वो जगह में जब वो जैसे ही गया स्टैंड स्टिल हो गया। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या हो जाता है, चलते चलते रुक गया और अब वहीं पे वो खड़ा है और गौर से कुछ सुन रहा है, उसके कानों में कुछ आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है भाई, चलो देखते हैं। हियर वॉज एन ओल्ड चर्च क्वॉन्ट एंड रैम्बलिंग एंड गैबर्ड। एक चर्च होता है क्रिश्चियंस लोगों का होली प्लेस चर्च, वहां पे क्वॉन्ट, क्वॉन्ट मतलब एकदम अट्रैक्टिव ओल्ड फैशन एकदम पुराने जमाने का एकदम हट के चर्च है, उसके अंदर से बहुत ही सुरीली आवाज आ रही है। रैमलिंग मतलब क्या, बहुत ही बड़ा एकदम फैला हुआ चर्च है। ठीक है, थ्रू वन वॉयलेट स्टेन विंडो अ सॉफ्ट लाइट ग्लोड वेयर नो डाउट द ऑर्गनिस्ट लॉइटर्ड ओवर द कीज मेकिंग श्योर ऑफ हिज मास्टरी ऑफ द कमिंग शब्बात एंथम। और उस चर्च में क्या बजाया जा रहा है, ऑर्गनिस्ट लोग जो है वो म्यूजिक बजा रहे हैं, वो म्यूजिक कैसी है, बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही मोटिवेशनल म्यूजिक वहां पे उस चर्च में बज रही है, उस चर्च के अंदर बजाई जा रही है। और उसी चर्च के बाहर
सोपी जनाब जो है खड़े हो गए हैं, स्टैंड स्टिल हो गए हैं। वो जो मोटिवेशनल गाना, जो मोटिवेशनल म्यूजिक बज रही है उसको गौर से सुन रहा है सोपी, ठीक है। उसके दिमाग में चीजें जाने लगती है, लिरिक्स को वो बहुत गौर से सुनने लगता है। क्या होता है देखो, फॉर देयर ड्रिफ्टेड आउट टू सोपी योर स्वीट म्यूजिक, ठीक है। सोपी के कानों में वो म्यूजिक जाती है, डेट कॉट हेल्ड हिम ट्रांसफिक्ट अगेंस्ट द कॉन्वुलेशन ऑफ द आयरन फेंस। वही यहाँ पे जो फोटो लगाई हूँ, ये आयरन फेंस के पास क्या हो जाता है, एकदम खड़ा हो जाता है। द मून वॉज अबाव, अब यहाँ पे थोड़ा एटमोसफियर बताया है, एनवायरमेंट बताया है कि सोपी जहाँ पे खड़ा हुआ है वहां का एटमोसफियर कैसा है, ठीक है। अभी क्या है, चांद जो है वो सोपी के एकदम टकले के ऊपर है, फुल है, रेडियंट है, एकदम चमक रहा है। व्हीकल एंड पेडिस्ट्रियन वेयर फ्यू, कोई भी गाड़ी की पीपो नहीं है। पेडिस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलते हैं लोग, वो भी बहुत कम है क्योंकि रात हो चुकी है। स्पैरोस ट्वीटेड स्लीपिली, जो चिड़िया लोग की आवाज आ रही है छोटी मोटी। इन द ईव्स, लोग जो अपने घोंसले में रहते हैं वो सब। व्हाइल द सीन माइट हैव बीन अ कंट्री चर्च यार्ड, ऐसा लग रहा है वो पूरा का पूरा एरिया कब्जे में आ चुका है चर्च की म्यूजिक में। मतलब वहां पे जितनी भी चीजें हो रही है, सारी की सारी चीजें वो चर्च की म्यूजिक को सुन रही है, ऐसा एटमोसफियर हो गया है, ठीक है। एंड द एंथम डेट द ऑर्गन इज प्लेड सीमेंटेड सोपी ऑन द आयरन फेंस। अब सोपी जो है वो आयरन फेंस को पकड़ लिया है और वो खड़ा हो गया है उधर पे, ठीक है। फॉर ही हैड नोन इट वेल इन द डेज वेन हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर एंड रोसेस एंड एम्बिशंस एंड फ्रेंड्स एंड इमेकुलेट थॉट्स एंड कॉलर्स। सोपी जो है उस जगह में उस आयरन फेंस को पकड़ के खड़ा है और उसके दिमाग में पुरानी यादें आ रही है। क्या आ रही है कि यार मेरी पहले की जिंदगी कितनी अच्छी थी, मेरे दोस्त हुआ करते थे, मेरे कितने बड़े बड़े सपने थे, मेरे कितने बड़े बड़े गोल्स थे। मैं जब नौजवान था, जब मैं यंग था, तो मुझे तो क्या क्या करना था, और आज मैं इस लेवल पे आ गया हूं कि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई मेरे जान पहचान में लोग मुझे पसंद नहीं करते। आज मेरी ऐसी हालत हो गई है, मैंने अपने आप को कितने खराब खड्डे में गिरा दिया हूं यार। सोपी तू ऐसे कैसे कर सकता है अपने साथ, तेरे कितने बड़े बड़े सपने थे वो तो सोच। ऐसा सीन सोपी के दिमाग में आने लगता है, क्या सुन के उस चर्च के अंदर जो ऑर्गनिस्ट लोग मोटिवेशनल म्यूजिक बजा रहे हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग वहां पे जो बज रहा है वो सुन के सोपी जो है क्या होने लगता है, अपने पुरानी जिंदगी को एसेस करने लगता है कि वो पहले कैसा था और अभी क्या बन चुका है। वहां से सोपी उस मोमेंट में डिसाइड करता है कि भाई जो हो गया वो हो गया, अब आगे की जिंदगी ना अच्छी बनानी है। अब सोपी करेगा काम धंधा, अब सोपी बनाएगा खुद का घर, अब सोपी बनाएगा खुद के दम पे पैसा और रहेगा शान से अपने घर पे, ना कि सड़क पे एक रोड, सड़क पे एक बेंच पे सोएगा, ठीक है। ऐसा सोपी अपने आप को बोलता है। अब तो भाई सोपी मोटिवेट हो चुका है और दुनिया पलट के रहेगा, असली शक्ति निकालेगा, अपनी असली कैपेबिलिटी बताएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है फिर। द कंजंक्शन ऑफ सोपीज रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड एंड द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ओल्ड चर्च ब्रॉट अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। सोपी के भाई आत्मा में पूरा का पूरा बदलाव आ जाता है, उसकी थिंकिंग में, उसके थॉट में, उस म्यूजिक को सुन के, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल म्यूजिक को सुन के भाई सोपी की थॉट सब बदल जाती है। तो इसलिए बोला जाता है भाई कि अगर आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील करते हो तो थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट आप कोई मोटिवेशनल चीजें सुन लो, आपके आसपास के जो लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं उनसे बातें कर लो, मोटिवेशन सॉन्ग अपने पास रखो कोई तो, ठीक है। बहुत मोटिवेट करते हैं अपने लाइफ में, किक की तरह। अभी ऐसा नहीं कि 24 घंटा सुनते रहो, कभी कभी काम आ जाता है, ठीक है। वैसे ही सोपी के साथ होता है। ही व्यूड विथ राइजिंग हॉरर द पिट इन टू विच ही हैड ट्रम्बल्ड, द डिग्रेडेड डेज, अनवर्दी डिजायर, डेड होप्स, रैक्ट फैकल्टीज एंड बेस मोटिव,
डेट मेड अप हिज एग्जिस्टेंस। सोपी बोलते हैं, आज मैंने अपने आप को इस गड्ढे में गिरा चुका हूं, पिट गिरा चुका हूं कि यहां से निकलना तो बहुत मुश्किल है, टंबल फंस चुका हूं, मेरे दिन जो है डिग्रेडेड, मेरे सारे दिन खराब जाते हैं, मेरे दिल में कोई अब डिजायर नहीं है, अनवर्दी मतलब मेरी कोई चाहत नहीं है, मेरी जो भी होप्स है, जो भी उम्मीदें है वो तो मरी पड़ी है, डेड होप्स, वेक्ट फैकल्टीज, मेरे जितने दोस्त है सब ऐसे ही है, आवारा गुंडागर्दी करने वाले वेक्ट फैकल्टीज, आवारा गुंडागर्दी वालों के साथ मैं रहता हूँ, मेरा तो जीने का कोई मकसद ही नहीं है, ये मेरी जिंदगी है, डेट मेड अप हिज एग्जिस्टेंस, ये मेरा वजूद है, ऐसे जिंदगी में मैं जी रहा हूँ, क्या बना दिया हूँ यार मैंने अपने आप को, इससे तो निकलना पड़ेगा। ऐसा सब थिंकिंग पूरा चेंज उसके दिमाग में आता है भाई, उसकी रूह, उसकी जो सोल होती है, सोल उसमें चेंज आ जाता है, वंडरफुल खतरनाक चेंज। ओके, एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू दिस स्ट्रेंज मूड, उसका दिल फट से रिस्पॉन्ड करता है, भाई तूने अपने आप को इस गड्ढे में गिरा तो दिया है बट तू अपने आप को निकाल भी सकता है, दिल ने बचा लिया सोपी को, उसका दिल जल्दी से रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड क्या करता है, अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव हिम इन टू द बैटल हिज डेस्परेट फैक्ट ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर, वो अपने आप को इस गड्ढे से निकाल के रहेगा, पुल करके रहेगा, निकाल के रहेगा, सोपी ने अपने आप को जिस गड्ढे में गिराया है उस गड्ढे से वो अपने आप को निकाल के रहेगा, एंड वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और एक काबिल इंसान बन के दिखाएगा, ना कि आवारा ना कि वागाबॉन्ड, अब सोपी बनेगा क्या, अब सोपी बनेगा सक्सेसफुल सोपी, ही वुड कॉन्क्योर द ईविल दैट हैड एंड सेव्ड हिम। सोपी जनाब क्या करेंगे, सोपी जनाब जो उसके दिमाग में पहले शैतान घुस चुका था उसको निकाल देंगे, एंड सेव्ड कर देंगे, छोड़ देंगे और एक अच्छे इंसान बन जाएगा। There was time he was young, yet he was resurrect his old eager ambition and pursue them without faltering. देखो क्या बोल रहा है? जब वो यंग था तो उसके बहुत सारे क्या थे, resurrect थे, मतलब वो अपनी पुरानी वाली जिंदगी फिर से वापिस ला सकते, resurrect का मतलब क्या होता है, रिस्टोर टू लाइफ, ठीक है, जिंदगी के 6-7 साल आवारा गर्दी में चले गए अब हटा दो, उससे पहले वाली जो उसकी अच्छी जिंदगी थी वो फिर से उसको रेस्क्यूरेट करेगा, पहले जो अच्छी वाली जिंदगी थी उसको फिर से रिस्टोर करेगा और आवारा गर्दी को क्या कर देगा, अपनी जिंदगी है हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है, हिज ओल्ड ईगर एम्बिशन एंड परस्यू देम विद फैल्टरिंग, और उसके पुराने सपने, उसके पुराने एम्बिशंस को परस्यू करेगा, यानी कि अचीव करेगा विदाउट फैल्टरिंग, विदाउट फैल्टरिंग, फैल्टरिंग मतलब विदाउट लूजिंग होप, विदाउट लूजिंग स्ट्रेंथ। अब अच्छे दिन आएंगे सोपी के, अच्छे दिन आने वाले हैं, अब सोपी जेल वेल नहीं जाएगा, सोपी करेगा अपने दम पे मेहनत, अपने दम पे पैसा कमाएगा, अपने दम पे खाना खाएगा और अपने दम पे घर खरीदेगा, वहीं पे रहेगा, ठीक है। ये सब सोच रहा होता है सोपी, मस्त मोटिवेट हो चुका है। दोस सोलेम बट स्वीट ऑर्गन नोट्स हैड सेट अप अ रिवॉल्यूशन इन हिम, रिवॉल्यूशन मतलब खतरनाक चेंज उसके दिल और उसमें आ गई। क्या बोलता है भाई, अब तो सोपी कल के कल क्या करेगा, सोपी ना कल के कल, टुमारो ही वुड गो इन टू द रोरिंग डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड वर्क। कल के कल सोपी डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट नाम की जगह है, उधर जाएगा और काम ढूंढेगा। अ फर इंपोर्टर हैड वंस ऑफर्ड हिम अ प्लेस एज अ ड्राइवर। एक फर इंपोर्टर एक था, फर मतलब वो जो रुई वाले होते हैं, उसका एक दोस्त था सोपी का, उसने एक बार सोपी को जॉब दिया था कि देख एक ड्राइवर की जॉब है तुझे करना है क्या, तो उस वक्त सोपी ने मना कर दिया था, बोला था कि अरे क्या काम धंधा करके पैसा, इससे अच्छा बैठे बैठे चोरी चकारी करके पैसा कमाता हूँ ना, उस वक्त वैसा था। तो सोपी के दिमाग में अचानक से आदत है, अरे हाँ वो फर इम्पोर्टर ने मुझे एक बार जॉब दिया था, चलो भाई कल के कल उसके पास जाऊंगा और बोलूंगा वो जॉब मुझे दे, अब मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगा, ठीक है। अब सोपी देखना क्या क्या करेगा, ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो इस दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा, ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, ऐसा सब सोचने लगता है और भी कुछ सोचने लगता है, और अचानक से उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है, अचानक से सोपी के कंधे पे कोई हाथ रखता है, सोपी फेल्ट अ हैंड लेड,
सोपी के कंधे पे कोई ऐसा हाथ रखता है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन द पैसिव फेस ऑफ अ पुलिसमैन। पीछे पलटता है, देखता है ये तो पुलिस है। ठीक है, बोले क्या हो गया भाई? पुलिस पीछे जो हाथ रखा है सोपी के, वो कौन रखा है? पुलिस ने। तो पुलिस वाला बोलता है, भाई इधर क्या कर रहा है? सोपी बोलता है, कुछ नहीं। पुलिस वाला बोलता है, चल हम लोग के साथ। गिरफ्तार, बड़ा गिरफ्तार हो चुका है तू। तुझे पता है तू जिस जगह पे खड़ा है उस जगह पे परमिशन लेके आना पड़ता है। बिना परमिशन के इस जगह पे जो भी आता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेटा ऐसे कैसे आ गया? कुछ है प्रूफ? कुछ है पास? कैसे आ गया? तो पुलिस वाला जो होता है वो उसको कोर्ट में लेके जाता है, और वहां का जो जज होता है वो सोपी को सजा सुनाता है। सोपी जनाब, आपने उस कोर्ट में बिना किसी के परमिशन के घुस गए थे, इसलिए आपको 3 महीने की जेल की सजा होती है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, वॉट आयरनी मैन, और वॉट आयरनी। देखो, 3 months ऑन आईलैंड, सेड द मैजिस्ट्रेट इन द पुलिस कोर्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। मैजिस्ट्रेट मतलब जज, कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं वो क्या फैसला सुनाते हैं? 3 months ऑन आईलैंड। अरे यार, क्यों? सोपी जनाब ने ठान लिए थे कि अब वो जेल जाके नहीं कमाएगा, जेल जाके फ्री का फुकट का नहीं खाएगा, पिएगा, सोएगा। उसने मोटिवेट कर लिया था अपने आप को कि मैं दूसरे दिन जाके ड्राइवर की जॉब करूंगा और अपने दम पे पैसे कमा के मेहनत करके खाऊंगा, पीऊंगा, रहूंगा। अब उसको नहीं जाना था, अब उसने अपना मन बदल दिया था कि मैं मुझे जेल में नहीं जाना है, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। वॉट आयरनी, बेचारा सोपी, सोपी को अरेस्ट कर लिया गया, और सोपी बेचारा, सोपी के साथ आयरनी हो गई। तो इसी के साथ अपना यहाँ पे चैप्टर हो गया एंड, और आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होगी कि कैसे हमारे इस चैप्टर में जो सोपी जनाब थे उसने अपने आप को अरेस्ट करने के लिए बैक टू बैक 5 प्लान्स बनाए, और उसके बैक टू बैक 5ों प्लान अनसक्सेसफुल हुए। और उसके बाद सोपी ने एक चर्च में एक मोटिवेशनल स्पीच सुना, सॉरी स्पीच नहीं, सॉन्ग सुना, म्यूजिक सुना, जो सॉन्ग ने सोपी की आत्मा में बहुत बड़ा बदलाव लाई। उसने ये ठान लिया कि अब मैं आवारागर्दी नहीं करूंगा, एक काबिल इंसान बनूंगा, अपने दम पे मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, और कभी भी जेल जाने की नहीं सोचूंगा। जैसे ही वो ये सारी चीज सोचने लगता है और उसके साथ आयरनी हो जाती है, और उसी मोमेंट में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। मतलब जो उसको वो जो चीज नहीं चाहिए थी उस वक्त उसको मिल रही, अब जो जिस वक्त उसको चाहिए थी उस वक्त नहीं मिल रही थी। इट इज कॉल्ड एज आयरनी। आयरनी, ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? आयरनी। तो आप बोलोगे इस चैप्टर से हमको क्या सीख मिलती है? इस चैप्टर से हमको यह सीख मिलती है, यू डोंट ड्राउन बाय फॉलिंग इन टू द वॉटर, यू ड्रॉन बाय स्टेइंग देयर। हम जो है पानी में गिरने से नहीं डूबते। अगर आप पानी में गिर गए, आपको तैरना आता है, अगर आप फटाक से ऊपर आ गए तो आप बच जाओगे। पानी में आप डूब के आपकी डेथ होगी कब? जब आप पानी में गिर गए और वहीं के वहीं रह गए, तब आपकी डेथ होगी, तब आप पानी में डूब के टपक जाओगे। उसी प्रकार से अगर हमने कोई गलती कर दिए है, किसी से कुछ गलती हो गई है, हमने अपने लाइफ को खराब बना दिए है, तो अगर हम वहीं पे पड़े हुए हैं तो आपकी लाइफ खत्म है, सड़ जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? उससे निकलना पड़ेगा। जैसा सोपी ने डिसाइड किया था कि भाई आवारा बन गया हूं, लेकिन अगर इधर पड़े रहा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए मुझे यहां से निकलना पड़ेगा, राइट? तो ये कोट एकदम मस्त है, आपके इस चैप्टर में एकदम मस्त बैठता है। तो पर्सनल रिस्पॉन्स में कुछ भी आया और आपने इसको एकदम मस्त बोल्ड लेटर में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल के लिख दिया, तो इंप्रेशन मस्त पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। दूसरा, दूसरा अपने को क्या इससे सीख मिलती है? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ऑल दो ऑल ऑफ अस डू रॉन्ग इन लाइफ, हर इंसान से कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिचुएशन में कहीं ना कहीं मोड़ पे छोटी मोटी गलती, कैसे भी गलती हो जाती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने गलती की है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। उस गलती से आप सीख के उसको कैसे सही करके आगे एक्सपीरियंस लेके उसको नहीं दोहरा रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दुनिया में कोई भी इंसान होगा
कोई तो ऐसा होगा ना जिसने कभी जिंदगी में कुछ गलती किया नहीं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाती है। तो क्या है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू रियलाइज वन मिस्टेक, मिस्टेक को देखना है क्या हुई और उसको सुधारने के लिए एफर्ट लगाने हैं, बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, भले ही आप गलती सुधारने में लेट हो गए हो, बट बेटर लेट देन नेवर, भले ही लेट करो रेदर देन ना करने से, राइट। तो सोपी ने भी तो ऐसे ही किया ना, उसको रियलाइज हो गया कि मैं क्या आवारा बन के बैठा हूँ यार, चोरी करके पैसा कमा रहा हूँ, कैसे जिंदगी है ये, बाद में रियलाइज हुआ ना, वैसे ही सेम। ठीक है, तो इससे अपने को ये बस खत्म हो गया है, और जल्दी से हम अभी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके, बस 3-4 क्वेश्चन है, फिर आपसे मैं 3 MCQ पूछूंगी और सेशन एंड, इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 फिनिश। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सामने हार्डवर्क के सारे मीनिंग लगा दी हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पेज नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 10 पेज के अपने सारे हार्ड वर्ड्स के मैंने लगा दी। अब ये जो आपके सामने है ये समरी है, मतलब कि पूरा जो आपका चैप्टर है उसको एकदम समराइज करके अगर एकदम शॉर्ट में बोला जाए तो ये आपके सामने है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, एग्जाम के 5 मिनट पहले ये रीड करोगे तो पूरी की पूरी स्टोरी आपको याद आ जाएगी। ठीक है, तो ये समरी है चैप्टर की, आपको मैं हर एक चीज दे देती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन बैंक, चलो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, A1, सोपीज अटेम्प्ट टू गेट इन टू विंटर आइलैंड। विंटर आइलैंड का मतलब क्या बताई थी, जेल ना। तो सोपी का अटेम्प्ट नंबर 1, देखो 5 अटेम्प्ट थे, तो अटेम्प्ट नंबर 1 क्या था, अटेम्प्ट नंबर 2, लाइन से याद रखना है, आगे पीछे मत करना, अटेम्प्ट नंबर 1 क्या था उसका बताओ जल्दी, अटेम्प्ट नंबर 1 एंड 2। सोपी का जेल में जाने का सबसे पहला अटेम्प्ट क्या था, क्या प्लान था, जल्दी बताइए। लग्जीरियस कैफे क्या, लग्जीरियस होटल क्या, उधर पे जाके, अरे पूरा बोलिए। फ्री लंच एट लग्जीरियस कैफे, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसा आपको लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ लग्जीरियस होटल लिखोगे तो नहीं मिलेगा। लग्जीरियस होटल में जाके क्या करने वाला था वो, टू ईट, फ्री लंच है ना, फ्री का लंच खाने वाला था किधर पे, एट लग्जीरियस कैफे, ये इसका पहला प्लान था। ठीक है, दूसरा प्लान क्या था जनाब का, यस एब्सोल्युटली करेक्ट अनुजा, ऐसा आपको आंसर लिखना है, एंटर इन लग्जीरियस कैफे एंड ईट फ्री फूड, ऐसा भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। फरहीन खान का सेकंड आंसर भी आ चुका है, ब्रेक द ग्लास ऑफ विंडो, एब्सोल्युटली करेक्ट, थ्रो स्टोन टू द विंडो ऑफ शॉप, एब्सोल्युटली करेक्ट, आपका भी करेक्ट है प्रतीक्षा, यस। सेकंड प्लान क्या था, टू ब्रेक द ग्लास ऑफ शॉप्स विंडो, ओके, ये आंसर हमारा हो गया। ऐसा लिखोगे तो 2 में से 2 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट इन 30 वर्ड्स। सोपी कुड नॉट एंटर द रेस्टोरेंट बिकॉज, पहली वाली रेस्टोरेंट में सोपी अंदर नहीं घुस पाया था, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया था उसके साथ बताइए, ऐसा क्या हो गया था सोपी जनाब के साथ कि उसको रेस्टोरेंट के अंदर घुसने नहीं दिया गया, वाय, इसके कपड़े नीचे से खराब थे, इंग्लिश लेक्चर है, इंग्लिश में बोलिए, डिपेंडेंट्स क्लोथ, क्लोथ क्लोथ में क्या, आपको प्रॉपरली आंसर देना है, हेड वेटर सीन हिज टैटर्ड शूज एंड डिपेंडेंट ट्राउजर्स, टैटर्ड, हाँ टैटर्ड ट्राउजर एंड डिपेंडेंट शूज, यस, बिकॉज वेटर वेटर आई बेटा के अच्छे से लिखते रहो, इसका आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज
वेटर हैड सीन सोपीज डिकेंडेंट शूज एंड टैटर्ड ट्राउजर्स। ठीक है, क्योंकि वेटर ने सोपी के फटे हुए जूते और फटे हुए पैंट देख लिया था और उसको लात मार के भगा दिया था। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन के सामने क्या है, सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोवेस्ट ऑफ हिज वेट्स अपवर्ड, व्हाई? सोपी को बस ऊपरी तो ऊपर के हिस्से में ही क्यों कॉन्फिडेंस था, उसके नीचे वाले हिस्से में क्यों कॉन्फिडेंस नहीं था, बताइए। करेक्ट अनुजा, एब्सोल्युटली करेक्ट। हिज शर्ट्स एंड क्लोथ वेर क्लीन, ही हैड वर्ड अ बो गिवन बाय लेडी मिशनरी ऑन थैंक्सगिविंग डे, ही वॉज शेवन, हिज कोट वॉज ट्रिम। क्या बात है, ग्रेट। तो क्या लिखेंगे, शेवन था, ठीक है, दाढ़ी वाड़ी बना लिया था, बो लगाया हुआ था, ठीक है, कोट एकदम मस्त फिटिंग में पहना था, ट्रिम कोट। नीचे वाले में क्या हुई, सेम चीज, डिकेंडेंट शूज एंड टैटर टैटर ट्राउजर। तो ये अपना आंसर आएगा। इस चैप्टर के सारे आइस ब्रेकर के आंसर और ब्रेन स्ट्रॉमिंग के आंसर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। रेडीमेड आंसर बना के दे दी हूँ, प्लीज इस चैप्टर के बाद आपको सारे के सारे आंसर को रीड आउट करना है, पता चलेगा आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। बस खत्म हो गया है आपके सामने चैप्टर नंबर 3, द कोप एंड द एंथम, हमने वन शॉट में फिनिश कर लिए, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लिया है। अब बारी आ चुकी है किसकी, अब बारी आ चुकी है आपके नॉलेज को चेक करने की, बताइए रेडी हो, आर यू ऑल रेडी? आपके स्क्रीन के सामने अभी कुछ सवाल मैं पूछूंगी एमसीक्यू बेस पे इस चैप्टर से रिलेटेड, उसका आंसर आपको देना। एक बार यस बोल दो ताकि मैं पूछूं आपसे सवाल। आज 3 क्वेश्चन नहीं है, आज 6 क्वेश्चन है, ठीक है, आज 6 क्वेश्चन पूछेंगे। और हाँ, एक और चीज, अपना ये जो इस साल का बोर्ड एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें यही चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। टोटल 8 चैप्टर है ना, उसमें से कोई एक पैसेज आपको आता है, तो पिछले साल ये वाले चैप्टर से आपको पैसेज आया था, तो वो भी आपको देख लेना एक बार जाके, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको बाद में कभी कराऊंगी, जब अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम बोर्ड पेपर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए जी, रेडी है समरीन, लक्षिता, इकबाल, कृष्णा, यश, ओ माय गॉड, बड़े, अभी मैं अच्छे से देखूंगी सबसे फास्ट आंसर किसका आएगा। चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हमारे चैप्टर के अंदर जो राइटर है उनके 2 नाम है ना, तो उनका निक नेम क्या है वो इधर लिखना है, और उनका ओरिजिनल नेम क्या है वो इधर लिखना है। तो आंसर क्या है, पहले ओ हेनरी है या विलियम जेम्स पॉटर, या इधर पे विलियम सिडनी पॉटर है, ओ हेनरी, थर्ड ओ हेनरी, ये फोर्थ डी हेनरी या विलियम सिडनी पॉटर, बताइए क्या है इसका आंसर, ऑप्शन के साथ बताइए। ए बोल रहे, अरे गौर से पढ़िए, विलियम जेम्स पॉटर नहीं था, फंस गए ना, देखे पढ़ते तो अच्छे से हो यार, लेकिन क्वेश्चन में गलती कर देते हो ना। एब्सोल्युटली करेक्ट, सोहा, उमेरा, फरिया, एनिमी, यस, जो भी बच्चे सी बोल रहे हैं वो लोग ने करेक्ट आंसर दिए, राइटर का निक नेम है ओ हेनरी और उनका ओरिजिनल नेम है विलियम सिडनी पॉटर। ओ हेनरी इधर तो करेक्ट है, बट यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन में जेम्स लिखा हुआ है, जेम्स नहीं है उनका नाम, गलत, यहाँ पे तो उल्टा कर दिए, पहले थोड़ी उनका निकनेम विलियम नहीं है, यहाँ पे डी हेनरी, डी हेनरी थोड़ी, तो सी इसका आंसर है एवरीवन, क्या बात है। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हाउ मैनी प्लान्स हैड सोपी मेड टू गेट अरेस्टेड, सोपी जनाब ने टोटल कितने प्लान बनाए थे अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए, 3 प्लान, 4 प्लान्स, 5 प्लान्स, यस टोटल 7 प्लान, कितने प्लान बनाए थे,
सी बोल रहे हैं। ओके निशांत सिद्धेश्वर म्यूजिकल कृष्णा। ओके यस बी नहीं है फरिया। एब्सोल्युटली करेक्ट। सोपी जनाब ने टोटल 5 प्लान्स बनाए थे। एक बार फिर से देख लेते पांचों प्लान, ठीक है फिर आगे बढ़ेंगे, रुक जाओ। टोटल 5 प्लान कौन से थे? पहला प्लान था लंच एट लग्जेरियस कैफे, महंगी होटल में लंच करूंगा। दूसरा क्या था? ब्रेक शॉप्स विंडो, दुकान की कांच की ग्लास को तोड़ूंगा। तीसरा प्लान क्या था? डिनर करूंगा लोकल होटल में। चौथा प्लान क्या था? ड्रंकेट की तरह बिहेव करूंगा। पांचवा प्लान क्या था? अम्ब्रेला चुराऊंगा, अम्ब्रेला को स्टील करूंगा। ठीक है तो यहाँ पे सोपी के टोटल 5 प्लान पढ़े ना हमने, पहला प्लान, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। लेकिन पांचों प्लान फ्लॉप हो गए और जिस जैसे उसने मूड बदला उस वक्त गिरफ्तार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। वाई सोपी वॉन्टेड टू गो टू जेल? सोपी को जेल क्यों जाना था? ताकि वो पढ़ाई करने से बच जाए, ताकि वो गर्मियों के मौसम से बच जाए, ताकि वो ठंडियों के मौसम से बच जाए, या उसको फ्री का खाना और छत मिल जाए? क्या बात है यश, एब्सोल्यूटली करेक्ट। क्या बात है, यस एब्सोल्यूटली करेक्ट एवरीवन। ताकि वो ठंडी से बच जाए, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है ना पढ़ाई से बचने के लिए? सोफी का प्लान मत ले लेना यार। चलो भाई हम भी 3 महीने के लिए गिरफ्तार, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, पढ़ाई से बच जाएंगे वो एग्जाम से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्फ रियलाइजेशन हैपेंस विथ इन सोपी बाय लिसनिंग। सोपी के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होने लगा क्या सुनने से? ऐसा उसने क्या सुन लिया? नेशनल एंथम सुना, टेम्पल एंथम सुना, चर्च एंथम सुना, या चर्च की घंटी जो बजती है ना टंग टंग टंग, वो सुन के उसके सेल्फ रियलाइजेशन होने लगा? भाई सबका आंसर करेक्ट टू मेरा, यस। सी एब्सोल्युटली करेक्ट। चर्च एंथम, नेशनल एंथम नहीं है, चर्च एंथम सुनने के बाद सोफी के दिल में बहुत बदलाव आया। क्या बात, मुस्कान तो फुल जोश में। राशिदा, सुमैया, रवि, रफीक, प्रेरणा, सोहा, क्या बात है यश, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एट द एंड वाई सोपी वाई कॉप अरेस्टेड सोपी? स्टोरी के एंड में पुलिस ने सोपी को क्यों गिरफ्तार कर लिया? बिकॉज ही वॉज शाउटिंग अननेसेसरीली, बिकॉज सोपी जो है जबरदस्ती चिल्ला रहा था, बिकॉज ही केम इनसाइड रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ चर्च, चर्च के एक ऐसे इलाके में आ गए थे जहां पे बिना परमिशन के नहीं आ सकते। थर्ड ऑप्शन बिकॉज उसने पी रखी थी। फोर्थ ऑप्शन बिकॉज सोपी वॉज नॉट लिसनिंग चर्च एंथम, या इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि सोपी जो है चर्च के एंथम को गौर से नहीं सुन रहा था। क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्यूटली करेक्ट। मतलब आप लोग बात स्टोरी की गहराई को अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। यही सारी छोटी छोटी चीजें ना आपको एकदम अच्छे से फिट रखनी है। चीजें कब हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों अरेस्ट हुआ था सोपी एंड में, टोटल कितने प्लान बनाया था, अंदर क्यों घुसने नहीं दिया, क्या क्या खाया, सब कुछ छोटी छोटी डिटेल याद रखनी है। जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो पैसेज बिना पढ़े लिख के आओगे, आपका ऐसा टाइम बचेगा ना, अब वो टाइम नॉवल लिखने में, राइटिंग स्किल लिखने में, ग्रामर सॉल्व करने में लगाना, फिर
फिर आपको इंग्लिश में जो मार्क्स आएंगे ना वो बीट कर देंगे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छा है प्लस इंग्लिश में भी 95 पार हो गए ना भाई, खतरनाक। ठीक है, बाकी बच्चों की तरह गलती नहीं करना है कि साइंस बायोलॉजी ये सब में तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और लैंग्वेज की वजह से डाउन हो गया, वो गलती मत करना। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है अपने को, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, और फिर देखेंगे आज का हमारा स्वेगर कौन है, आज का हमारा विनर कौन है। एट दी एंड सोपी फेसेस डैश ऑफ फेथ, एट दी एंड सोपी के साथ क्या हुआ? कन्फाइनमेंट, आयरनी, डेस्टिनी, सिचुएशन। मैंने आपको बताई थी, एक वर्ड मैंने लिखी थी स्टोरी के एंड में कि सोपी के साथ तो भाई क्या हो गया। लास्ट क्वेश्चन, आलिया, निधि, समर, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। हाँ, तो जो भी बच्चे बी बोले हैं इधर पे, कुछ कुछ सी भी बोल रहे हैं। नहीं, सी बिल्कुल नहीं है इसका। डेस्टिनी कैसे हो सकता है यार? डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, किस्मत। करेक्ट आंसर है आयरनी, मैंने यहाँ पे लिखी थी, रुक जाओ कोई याद दिलाती हूँ, मिटा तो नहीं दी थी। हाँ देखो इधर पे देखो, यहाँ लिखी हूँ कि नहीं लिखी हूँ, आयरनी। सोपी ने क्या फेस किया? उसके साथ आयरनी हो गई। आयरनी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे हम जो चीज नहीं करना चाहते हैं या जो चीज हम नहीं सोचते हैं और वो चीज हमारे साथ हो जाती है। तो सोपी के साथ वैसी हुआ ना कि अब वो, उसको जेल नहीं जाना है और उसके को जेल जाने मिल गया, ऐसा हो गया। तो सोपी ने क्या फेस कर लिया? सोपी ने आयरनी फेस कर लिया। ये चीज याद रखना प्लीज, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये वर्ड लिखा गया है और आता भी एग्जाम में। इसी के साथ आज का सेशन एंड होता है और आज का हमारा विनर किसको घोषित किया जाए? मुझे लगता है आज का विनर जो है, जो मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा था, वो है मुस्कान। क्या बात है मुस्कान! और बाकी बच्चे भी हैं, उमेरा, यश, मुस्कान खान, हाँ, राशिदा, रिद्धि, अल्तमश। तो फिलहाल के लिए आज के सेशन में हम मुस्कान खान को घोषित कर रहे हैं विजेता, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर मस्त स्क्रीन पे दिख रहे थे फटाफट से। और बाकी सारे बच्चे, आप लोगों ने भी फास्ट दिए, उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना है, हम बस फन के तौर पे करते हैं ताकि क्या हो, हमारी जो पढ़ाई है उसमें पढ़ाई के साथ साथ हमारा थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हो जाए और हमको एक आइडिया भी मिल जाए कि हाँ भाई हमने जो पढ़े है वो हमको अच्छे से आता भी है। ठीक है, और गलती हो गई तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस से सीखना है। क्या हमने सीखे इस चैप्टर में? कुछ गलती हो गई तो उससे टेंशन नहीं लेना है, उस गलती से एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ जाना है, राइट? तो आपसे भी अगर पढ़ाई लिखाई में कुछ गलती हो जाती है, रॉन्ग आंसर हो जाता है, तो क्यों रॉन्ग हुआ उसको करेक्ट करो, वो सीखो, और जब आप नेक्स्ट एग्जाम दोगे तो उसमें गलती मत करना। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा और ये चैप्टर नंबर 3 में हमने सोफी की कहानी सुने, तो प्लीज आप लोग भी इससे सीख लेना और जो भी लाइफ में गलती हो गई है उसको भुला के उससे एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, यू डोंट ड्रॉन इन टू द वॉटर बाय फॉलिंग, यू ड्रॉन बाय स्टेइंग देयर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है अपने को। और विनर 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 आगे नेक्स्ट वीडियो क्या होगी? अपना चैप्टर नंबर 4 आएगा कल, ठीक है, और फिर उसके बाद नॉवल स्टार्ट हो जाएगी। चैप्टर नंबर 4 कल हम पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? बिग डेटा, बिग इनसाइट। ये थोड़ा ना आईटी टाइप का स्टोरी तो नहीं है इसमें, आईटी है, मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर वम्प्यूटर चीज की आने वाली है, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा है, तो इसमें कोई स्टोरी नहीं है। ठीक है, तो पढ़ लेंगे, छोटा सा चैप्टर है, कल चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे रात 9 बजे। ओके, उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? उसके बाद अपना नॉवल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉवल मैं पढ़ाऊंगी आपको, नॉवल नंबर 1 और नॉवल नंबर 2 आपकी ये वीक में खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, ग्रामर, राइटिंग स्किल ये सब शुरू हो जाएगा। ओके, हाँ सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो आपको कुछ भी डाउट आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो, वीडियो पसंद आई कमेंट सेक्शन में लिख दो, कुछ प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपके लिए तो खुला है।
है ना, इसलिए तो बनाया गया ताकि आप बात लिखो और हम उसको पढ़े। ग्रेट, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस होल सेशन एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, रियली रियली प्राउड ऑफ यू। 5 महीने पहले आप लैंग्वेज में इतना फोकस कर रहे हो, गारंटी देती हूँ आपके लैंग्वेज के अच्छे मार्क्स तो आएंगे, साथ ही साथ जो आपके मेन कोर सब्जेक्ट है उसको भी आपने अगर साथ में लेके चले ना, तो अपने जो आपके क्लास का जो टॉपर होगा ना उसको भी बीट कर दोगे। बस इसी डेडिकेशन के साथ अपने को मेंटेन रहना है, डेली लैंग्वेज को पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, अभी बहुत कुछ है, ग्रामर राइटिंग स्किल बाकी है अपना, भूलना नहीं कि चैप्टर पोयम हो गई तो खत्म हो गया इंग्लिश, नहीं, नॉवल है, राइटिंग स्किल्स है, ग्रामर है। कितने ग्रामर है पता है आप लोगों को? टोटल 25 टॉपिक पढ़नी है ग्रामर की। राइटिंग स्किल कितने है पता है? टोटल 16 है, 16 4 4, हाँ टोटल 16 है, बट उसमें से भी अपने को देखना है, बहुत कुछ पढ़ना है, रेडी रहो। ग्रेट, हाँ इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, कल आ जाना रात 9 बजे। आई एम गोइंग टू प्ले गरबा, क्या बात है यार, पहले आपने सेशन अटेंड करे और उसके बाद अब खेलने जा रहे हो, वाओ, कौन हो आप, नाम क्या है? धीरज, अरे वाह। प्रायोरिटी, ऐसी लाइफ में प्रायोरिटी रखो, जो इंपॉर्टेंट है पहले वो करो, बाकी सारी चीजें तो हो ही जाएगी, है ना। चलो मिलते हैं, कल मिलते हैं रात 9 बजे, ये सफर होगा सुहाना। क्या बात है, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।